चलिए बाबा आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आ जाइए चलिए नेक्स्ट चैप्टर कराता हूं नेक्स्ट चैप्टर है आईटीसी आ जाइए बाबा आईटीसी का रिवीजन करेंगे आ जाइए ए प्लस ग्रेडेड चैप्टर ए प्लस ग्रेडेड चैप्टर है चलिए शुरू करते हैं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट सर हमने सीखना चालू किया था जीएसटी गुड्स एंड सर्विस से अगर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गया सर सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई होगा इंटरस्टेट सप्लाई आई लेवी होगा इंट्रास्टेट सी जी लेवी होगा सर एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाई ए टैक्सेबल पर्सन सर कैसे कलेक्ट करेगा कैसे पे करेगा कैलकुलेट करेगा जीएसटी इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इन टू रेट ऑफ टैक्स सर एक बार जो वैल्यू मालूम चल गया अब रेस करेगा टैक्स इन क्रेडिट नोट डेबिट नोट एंड डिलीवरी चलान सर उसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा गुड्स भेज देगा सामने वाले व्यक्ति को विद हेल्प ऑफ ए ई बिल सर अब क्या होगा सर अब आपका लायबिलिटी टू पे आ जाएगा लायबिलिटी आता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई सर टाइम ऑफ सप्लाई में समझ लीजिए मेरा लायबिलिटी हजार रुपए का आ गया अब ये पे कैसे करूं तो बेटा तू लगाएगा जुगाड़ कि आईटीसी आउटपुट टैक्स अगर हजार रुपए का है मेरे पास कोई क्रेडिट वगैरह पड़ा है क्या तो उसको यूज करोगे यस yes, सर तो यहां आता है चैप्टर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ लीजिए पांच सौ रुपए का क्रेडिट आपके पास था उसको आप यूज कर लिए फिर रिमेनिंग अमाउंट का आप कैश में पेमेंट कर दोगे और रिटर्न फाइल कर दोगे तो आज हम समझने वाले हैं चैप्टर ऑफ आईटीसी उससे पहले सब बच्चे मुझे बोलेंगे सेक्शन रिवीजन करेंगे सर चलिए का सेक्शन नंबर बोलिए 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 सर सेक्शन नंबर 252 फिफ्टी सर्विस सेक्शन नंबर 2102 सप्लाई का सेक्शन नंबर बोलिए सर सप्लाई सेक्शन नंबर सेवन आता है उसके बाद सर कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई उसके बाद इंटर स्टेट में सेक्शन नंबर सेवन ऑफ द आईजीएसटी एक्ट उसके बाद सेक्शन नंबर एट ऑफ द आईजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर टेरिटोरियल वाटर्स की बात किया था टेन इलेवन थर्टीन प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करता है सर फोर्टीन आता है ओ आई डी आर फिफ्टीन बोलता है रेस एंड सिक्सटीन जीरो रेटेड सप्लाई एसिजेट को सप्लाई करना या सर एक्सपोर्ट करना जीरो रेटेड सप्लाई होता है आईजीएसटी का लेवी सेक्शन सेक्शन नंबर फाइव है सीजीएसटी का सेक्शन नंबर नाइन होता है नाइन वन नॉर्मल लेवी नाइन टू एच पी मैन नाइन थ्री डायग्राम्स, नाइन फोर प्रमोटर्स के ऊपर रिवर्स चार्ज एंड नाइन फाइव ठीक है सर, सर उसके बाद सर आपने बोला कुछ लोगों ने मांग लिया कॉम्पोजिशन लेवी गवर्नमेंट ने बोला चल सेक्शन नंबर टेन में कॉम्पोजिशन लेवी भी, भी दे दिया उसके बाद गवर्नमेंट ने यहां बोला कि अगर आप चाहो अगर गवर्नमेंट चाहे आप नहीं गवर्नमेंट चाहे तो एग्जामेशन दे सकती है सेक्शन नंबर इलेवन का पावर यूज करके एंड सेक्शन नंबर सिक्स ऑफ द आई IDGST एक्ट का पावर यूज करते हुए गवर्नमेंट एग्जम्पशन देती है उसके बाद आता है टैक्सेबल पर्सन चल बेटा चल 22 पीपल हु आर लायबल 23 जो लोग लायबल नहीं है 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन 25 प्रोसीजर 26 डीम रजिस्ट्रेशन 27 सीटीपी एंड आरटीपी 28 अमेंडमेंट 29 कैंसलेशन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन उसके बाद सर वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15 आता है रेट ऑफ टैक्स तो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल सर टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में सेक्शन नंबर 31 बात किया टैक्स इनवॉइस 32 प्रोहिबिशन अनरजिस्टर्ड है मत लेना रजिस्टर्ड है एक्ट के हिसाब से लेना 33 टैक्स अमाउंट टू बी शोन सेपरेटली उसके बाद आया सेक्शन नंबर थर्टी uh, थ्री आ गया थर्टी फोर डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात किया डिलीवरी चलान रूल नंबर फिफ्टी फाइव बोला अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सर थर्टी सिक्स बोला अकाउंट थर्टी सिक्स टाइम ऑफ प्रिजर्वेशन के लिए बोला थर्टी फाइव बोला सर वेरियस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में उसके बाद ई वे बेल सेक्शन नंबर सिक्सटी एट होता है रेडवे रूल नंबर वन थर्टी एट से लेके वन थर्टी एट से लेके वन थर्टी एट ए बी सी डी ए बी सी डी ई ठीक है सर ए बी सी डी ई होता है ए बी सी डी ई होता है ठीक है सर उसके बाद 12 and 13 and 14 आता है अब सुनिए अब आ गया आई टीसी का चैप्टर आई टी सी का चैप्टर में हम सीखने वाले हैं सेक्शन नंबर सिक्सटीन सर सेवनटीन एंड सेक्शन नंबर एटीन देख बेटा देख रिमेंबरिंग सेक्शन इज वेरी वेरी इजी लेकिन रोज आपको पांच मिनट के लिए बस रिविजन करना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आ जाइए आई टी सी के चैप्टर में इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट देखिए बाबा इनपुट का तो है ना इनपुट का तो जनरल मीनिंग जो होता है सुनिए इनपुट का जनरल मीनिंग क्या होता है जनरली इनपुट का मतलब होता है वो गुड्स जो अदर देन कैपिटल गुड्स होते हैं यूज और इंटेंडेड फॉर यूज इन द बिजनेस। लेकिन आप जब ये चैप्टर पढ़ते हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट्स का टैक्स का आपको क्रेडिट मिलता है मतलब सिर्फ इनपुट का नहीं मिलता इनपुट का भी मिलता है इनपुट सर्विसेज का भी मिलता है और सर कैपिटल गुड्स का भी मिलता है इनपुट्स मतलब होता है गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स जो आप बिजनेस में यूज करते हो इनपुट सर्विसेज का मतलब होता है जो सर्विस आप ले रहे हो फॉर यूजिंग इन योर बिजनेस और इंटेंशन इज टू यूज इन योर बिजनेस और सर कैपिटल गुड्स का मतलब होता है गुड्स विच आर कैपिटलाइज उसके बाद गुड्स विच आर कैपिटलाइज गुड्स विच आर कैपिटलाइज यूज और इंटेंडेड फॉर यूज इन बिजनेस ठीक है सर ये पॉइंट क्लियर है अब सुनिए जब भी इनपुट इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स आप परचेस करोगे इनवर्ट सप्लाईज लोगे बेसिकली आप परचेस करोगे तो सर उसपे जो भी आपने टैक्स दिया है उसका क्रेडिट आपको ई क्रेडिट लेजर में मिल जाएगा तो सर ये टैक्स क्या होता है तो गवर्नमेंट ने बोला टैक्स का मतलब होता है जीएसटी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज या समझ लीजिए आपने रिसीव करके रिवर्स चार्ज में दिया तो अंडर रिवर्स चार्ज और सर ये जीएसटी क्या होता है सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी यू टी जी एस टी एंड इंक्लूडिंग जब आप इंपोर्ट करते हो तो आप आई जी एस टी पे करते हो उसको भी उसका भी आपको क्रेडिट मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ एंट्री लेकिन बेटा एक बात याद रखना अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे मिलता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस करोगे तो सर आउटसाइड इंडिया का सप्लायर तो बिल देगा नहीं आपको एक सेल्फ इन्वॉइस जनरेट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन नंबर थर्टी वन थ्री एफ याद आ रहा है रिवर्स चार्ज रिसिप अनरजिस्टर्ड ठीक है लेकिन याद रखिएगा कॉम्पोजिशन टैक्स का कभी आपको क्रेडिट नहीं मिलता है तो मैंने बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट्स का टैक्स का क्रेडिट मिलेगा इनपुट Input मतलब इनपुट्स ही होता है इनपुट में सिर्फ गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स होते हैं लेकिन फॉर क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं इनपुट टैक्स इनपुट इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स का जो भी टैक्स दिया है जीएसटी बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज में फॉरवर्ड या रिवर्स चार्ज में उसका आपको क्रेडिट मिलेगा कहा मिलेगा सर मिलेगा ई क्रेडिट लेज़र में अब सुनिए अब आता है सेक्शन नंबर सिक्सटीन सेक्शन नंबर सिक्सटीन बोलता है सर एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आई बच्चा बोल रहा है सर आउट कीजिए लेना, स्क्रीन अमेंडमेंट बुकलेट में ये चार्ट अमेंडमेंट का चार्ट है ये, ये कर ले, free resource, उसमें ये चार्ट मिल जाएगा क्योंकि इसमें amendment है, करेक्ट ठीक है सर अब एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर अवेलिंग आई टी सी सर कौन कौन एलिजिबल होता है सर कौन कौन एलिजिबल होता है रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल होता है ऑफ द गुड सर्विसेज और बोथ गुड्स और सर्विस और बोध जो भी आपने लिया है अपने बिजनेस के लिए लिया है बवा जो आपने बिजनेस के लिए लिया है ठीक है सर उसके बाद एंड अमाउंट शेल बी क्रिएटेड टू दिए अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है गुड सर्विस के लिए ले रहे हैं तो सर आपने जो भी जीएसटी पे किया है उसका अमाउंट आपको एक क्रेट लेजर में मिल जाएगा तो एलिजिबल होता है एक रजिस्टर्ड पर्सन सर उसके बाद आता है कंडीशन कंडीशन का दोनों का आई का ये बिंदी शिफ्ट हो गया ठीक है इधर शिफ्ट कर लेना ठीक है सर अब ये कंडीशन फॉर टेकिंग आई टी सी सुनिए पहले मैं आपको बोलता था कि सर जब भी कंडीशन की बात हो तो सर कंडीशन हम हमेशा बोलते हैं टी आर टी आर कंडीशन सर, सर एक व्यक्ति के पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और, सर्विसे और बोथ होना चाहिए तभी क्रेडिट मिलेगा सर टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट होना चाहिए एंड रिटर्न फाइल्ड होना चाहिए तभी क्रेडिट मिलेगा अब गवर्नमेंट ने क्या किया इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर और सख्ती डाल दी और गवर्नमेंट ने क्या किया अडिशनली एंड बी ए इंसर्ट कर दिया चलिए समझना चालू करते हैं कि सर क्या क्या कंडीशन पूरा करूंगा तो इनपुट टैक्स रेट मिलेगा देख बेटा अगर तूने कंडीशन पूरा नहीं करते हुए अगर तूने कंडीशन पूरा नहीं करते हुए अगर क्रेडिट ले लिया तो सर वो क्रेडिट हम बोलेंगे आई टी सी रॉन्गली अवेल्ड और उस क्रेडिट को अगर तूने यूज कर लिया तो बेटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा रिवर्सल करने के टाइम डन सर तो सर कंडीशन फुलफिल हो तभी क्रेडिट लेना ठीक है सर सेक्शन नंबर सिक्सटीन टू ए बोलता है कि सर जब आपको क्रेडिट लेना है तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए इंक्लूडिंग रिवाइज टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब इन रूल नंबर 36 रूल नंबर 36 में जो और टैक्स पेंग डॉक्यूमेंट बोले हुए हैं वो आपके पास होने चाहिए तभी आपको क्रेडिट मिलेगा ठीक है सर अब रूल नंबर 36 जो बोलता है रूल नंबर 36 सिक्स वन बोलता है कि आपके पास होना चाहिए बर्ड चिड़िया होना चाहिए अरे चिड़िया नहीं रे बाबा जब पढ़ोगे ये देखिए जो कि सी का कहा गया हां सर आपके पास होना चाहिए बर्ड बी फॉर आपके पास होना चाहिए बिल एंट्री आई फॉर ISD का आपके पास इनवॉइस होना चाहिए ठीक है सर रिवर्स चार्ज का केस में आपने सेल्फ बेटा वही होता है डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आप क्रेडिट ले सकते हो डी फॉर डेबिट नोट अगर आपके पास डेबिट नोट है तो क्रेडिट ले सकते हो एंड एस फॉर सप्लायर्स इनवॉइस चलिए मेरे साथ बोलिए सर क्या क्या इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्रेडिट ले सकते हैं बर्ड्स बी फॉर बिल ऑफ एंट्री आई फॉर डी फॉर का केस में सेल्फ इनवॉइस इनवॉइस जो आपने जनरेट किया है है फॉर फॉर डेबिट नोट एंड एस सप्लायर्स अगर आपके पास है, तो आप क्रेडिट ले सकते हो सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप क्रेडिट लेते हो उस डॉक्यूमेंट में एटलीस्ट ये पर्टिकुलर्स होने चाहिए तभी आप क्रेडिट ले पाओगे बोला गया है आईटीसी कैन बी अवेयर इफ document contains डिस्क्रिप्शन वैल्यू टैक्स टी वी जी पी डेस्क्रिप्शन वैल्यू टैक्स एंड जीएसटी अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होना जरूरी है उसके बाद आता है सेक्शन नंबर रूल नंबर थर्टी सिक्स थ्री जो बोलता है बेटा अगर कभी आप समझ लीजिए आप तो रस्ते में जा रहे थे ठीक है सर उसके बाद अठारह परसेंट की जगह पांच परसेंट के गुड्स को लेके जा रहे थे रास्ते में ऑफिसर ने पकड़ लिया और पकड़ के आपसे वसूली कर लिया सेक्शन नंबर 74 में डिमांड ऑर्डर देके आपसे एक्स्ट्रा तेरह परसेंट लिया गया अब आपने अपने बायर को फोन करके बोला नालायक जीएसटी लगा के मैं भेज रहा था तेरे कारण तूने बोला कम लगा के भेज दे अब मैं पकड़ा गया हूं और पकड़े जाने के बाद जो टैक्स चार्ज किया है चल कोई नहीं तेरे को मैं एक डेबिट नोट इशू कर रहा हूं तू क्रेडिट ले लेना गवर्नमेंट बोलता है नालायक अगर कोई टैक्स पे किया है इन परसुएंस ऑफ ए डिमांड ऑर्डर जो फ्रॉड विलफुल मिस्टेटमेंट या सप्रेशन के कारण आपको दिया गया था तो बेटा गए तो बेटा गए आपको उस टैक्स का उस टैक्स का आपको या सामने वाले पार्टी को अगर आप डेबिट नोट भी दोगे तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा ठीक है सर उसके बाद सेक्शन नंबर थर्टी सिक्स फोर आता है कि सर सेक्शन नंबर थर्टी सिक्स फोर में क्या बोल रहा है गवर्नमेंट सेक्शन नंबर थर्टी सिक्स फोर में गवर्नमेंट बोलता है अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो आपके सप्लायर ने इनवॉइस को इश्यू इनवॉइस को जीएसटीआर वन या इनवॉइस वॉयस फैसिलिटी यूज करते हुए अपलोड किया होना चाहिए और वो अमाउंट आपके जीएसटीआर टू भी में आना चाहिए तभी आपको क्रेडिट मिलेगा ये बोलता है सेक्शन नंबर रूल नंबर थर्टी सिक्स फोर कि आपको no itc shall be available with respect to invoice or debit note the details of which are required to be uploaded unless उसको अपलोड किया गया है बाय द सप्लायर एंड द डिटेल्स ऑफ पहले ये वर्डिंग में थोड़ा इश्यू था वर्डिंग्स अच्छे नहीं थे वर्डिंग्स को गवर्नमेंट ने कलेक्ट

एलिजिबल होता है टेक द क्रेडिट क्रेडिट सेक्शन नंबर में ए पॉइंट मैंने आपको बोला कि सर तभी मिलेगा जब आपके पास जो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट टू बोलता है डिस्क्रिप्शन वैल्यू टैक्स नंबर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा तो एक क्रेडिट मिलेगा थ्री बोलता है अगर फ्रॉड के कारण आपने कोई टैक्स दिया है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा एंड फोर्थ वन बोलता है क्रेडिट तभी मिलेगा जब जीएसटीआर में सप्लायर अपलोड करेगा या इन्वॉइस फैसिलिटी यूज करते हुए अपलोड करेगा और आपके जीएसटीआर भी में आ रहा है तो ही आप क्रेडिट ले पाओगे उसके बाद बोला गया है सुनिए अब ये जो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप क्रेडिट तभी ले पाओगे जब सप्लायर जीएसटीआर वन में अपलोड करेगा और वो आपके जीएसटीआर टू बी में आएगा तभी आप क्रेडिट ले पाओगे इसको लॉ का बैकिंग भी तो देना पड़ेगा क्योंकि सर ये तो रूल में लिखा हुआ है रूल में लिखा हुआ चीज को एक्ट से फ्लो होना पड़ता है एंड हेंस गवर्नमेंट ने सेम चीज एक्ट में भी लिख दिया कि सर ताकि लोग चैलेंज नहीं कर पाए लेटर कि रूल में कैसे लिख दिया आपने एक्ट में भी लिखना चाहिए था इसलिए गवर्नमेंट ने सेम चीज को ए ए पॉइंट में भी लिख दिया कि द डिटेल्स ऑफ सच इन और डेबिट नोट रेफर्ड इन क्लॉज ए जो आपका ये इनवॉइस और डेबिट नोट है, है बीन।

मत लेना सर समझ लीजिए मैंने सप्लायर से डायरेक्टली गुड्स जॉब वर्कर को भिजवा दिए तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है चल तूने गुड्स को डायरेक्टली जॉब वर्कर को भिजवा दिए तो ठीक है जब जॉब वर्कर को मिल गया तो तुझे मिल गया मान लिया जाएगा और तू क्रेडिट ले सकता है डीम रिसीव का कॉन्सेप्ट भी चलेगा

हाँ बाबा चाहत मैडम बोल रही है सर इसे बोलते हैं बिल टू शिफ्ट मॉडल हाँ बाबा बिल टू शिफ्ट में जब सर उस पार्टी को मिल गया तो मान लिया जाएगा मुझे भी मिल गया ठीक है चल उसके बाद आगे बोला जा द है ऑफ आई टी सी विथ रेस्पेक्ट टू सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो वो अमाउंट गवर्नमेंट ने क्या बोला अब रमेश जब भी जीएसटीआर 1 वन में लोग सप्लाई

जो आईटीसी बेसिकली एलिजिबल आईटीसी रहेगा और मतलब इसको आप देखिए इससे आप जो एलिजिबल हो वो ले लीजिए और एक कॉलम हम बना देंगे जिसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी और जीएसटीआर में अगर कोई भी चीज रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी में आ रहा है कोई भी अमाउंट अगर रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी में आ रहा है बेटा तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी में आ रहा है उसका क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे फिर से बोल रहा हूं सुन लीजिए मेरे जीएसटीआर आर टू बी में जब भी क्रेडिट जीएसटीआर आर वन या आई से फ्लो होगा तो गवर्नमेंट बोल रहा है उसको हम दो कॉलम में डिवाइड कर देंगे एक जो आप जिसका आप क्रेडिट ले सकते हो और एक जो रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी होगा और अगर कोई अमाउंट रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी में आ रहा है तो उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते उस अमाउंट का क्रेडिट आप नहीं ले सकते ये एक और गवर्नमेंट ने पॉइंट इंसर्ट कर दिया उसके बाद गवर्नमेंट ने यह बोला कि रमेश नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को दिया होना चाहिए मैंने सप्लायर से खरीदा सप्लायर ने गवर्नमेंट को अगर टैक्स दिया है तो ही मैं क्रेडिट ले सकता हूं गवर्नमेंट थ्रू कैश और क्रेडिट मतलब सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया हो थ्रू कैश और क्रेडिट थ्रू कैश और क्रेडिट अपना कैश से दिया हो या क्रेडिट यूज कर, कर, करके दिया हो अब सुनिए अब ये जो सी पॉइंट है ना दिस इज सब्जेक्ट टू रूल नंबर फोर्टी वन सर रूल नंबर फोर्टी वन में एक अमेंडमेंट आया है कुछ नहीं है सुन लीजिए मैं बोल देता हूं आपको यहां है रूल नंबर फोर्टी वन आपका अमेंडमेंट बुकलेट में सर रूल बुक लेन क्या बोलता है सुनिए रूल नंबर फोर्टी वन क्या बोलता है रूल नंबर फोर्टी वन बोलता है कि रमेश चल तू जो सप्लायर है उससे गुड्स खरीदा है उस इनवॉइस का क्रेडिट ले ले उस इनवॉइस का क्रेडिट पहले बोला जाता था प्रोविजनल बेसिस पे लीजिए लेटर हम चेक करेंगे कि आपका सप्लायर ने दिया है नहीं दिया तो अभी जो आप क्रेडिट ले रहे हो वो प्रोविजनल क्रेडिट है और बाद में अगर आपके सप्लायर ने नहीं दिया तो बेटा ऐसा बात था पहले कि प्रोविजनल आई है जो आपने लिया अब गवर्नमेंट ने सिंपल रूल नंबर फोर्टी को चेंज कर दिया और रूल नंबर फोर्टी में अब बोल दिया गवर्नमेंट ने कि सर ए पर्सन शैल बी एंटाइटल टू अवेल द आई टीसी इन सेल्फ हिज रिटर्न जो आपने रिटर्न में सेल्फ असेस किया है वो आप क्रेडिट ले लीजिए वो आप क्रेडिट ले लीजिए एंड सच अमाउंट बी अमाउंटेड टू लेजर ऑन फाइनल बेसिस अब कोई प्रोविजनल सिस्टम नहीं रहा बेटा प्रोविजनल सिस्टम कुछ नहीं रहा अब अब जो आपके जीएसटीआर आर टू बी में आ रहा है उसका क्रेडिट आप ले लीजिए ऑन ए फाइनल बेसिस बस यही पॉइंट है लेकिन एक बात याद रखिएगा अब ये अब कोई प्रोविजनल सिस्टम नहीं रहा लेकिन एक बात याद रखिएगा इसमें गवर्नमेंट ने एडिशनल पॉइंट बोला इफ द टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर बाद में क्या हुआ सप्लायर ने जीएसटीआर वन में दिखाया जीएसटीआर टू भी में आ गया आपने बल्ले बल्ले क्रेडिट वगैरह ले लिया अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया तो ये बोल रहे हैं ऑन इफ द सप्लायर लेट फ द टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर जो आपने क्रेडिट लिया है वो आपको फाइनल बेसिस पर तो दिया था लेकिन अब क्योंकि आपके सप्लायर ने पे नहीं किया है तो आप एक काम कीजिए जो क्रेडिट लिया था उसको रिवर्स कर दीजिए जो क्रेडिट लिया था उसको रिवर्स कर दीजिए लेटर ऑन इफ द सप्लायर मेक्स द पेमेंट अब सप्लायर ने अगर पेमेंट नहीं किया आपने क्रेडिट ले लिया है उस क्रेडिट को आप रिवर्स कर दीजिए अब सर अगर बाद में सप्लायर पे कर देगा तो अगर सप्लायर पे कर देता है तो वापस क्रेडिट ले लीजिएगा बस यही बोल दिया गया है यहां पर

उसके बाद जब सप्लायर वापस पे कर देगा तो वापस ले लेना बस यही बोला गया यहां पे चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपको चाहिए टैक्स मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं रिटर्न फाइल बाय द रिसीपी अंडर सेक्शन नंबर 39 मांग लीजिए क्रेडिट आपको गवर्नमेंट दे देगी रिटर्न फाइल करना है तभी आपको क्रेडिट मिल जाएगा अब सुनिए मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको सेक्शन नंबर 16 पढ़ाया आईटी से चैप्टर में मैं थोड़ा सा रिपीटेशन करते हुए चलूंगा ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए मजे भी आते रहे चल बेटा बोल सर सेक्शन नंबर 16 वन में मैंने आपको क्या बोला कि सर कौन क्रेडिट लेगा एलिजिबल पर्सन होता है रजिस्टर्ड पर्सन जो गुड सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए यूज उस करेगा उसका क्रेडिट लेगा सेक्शन नंबर 16 टू क्या बोलता है कंडीशन कंडीशन फॉर टेकिंग द क्रेडिट सेक्शन नंबर सिक्सटीन टू में सर ए पॉइंट है ए ए पॉइंट है बी पॉइंट है बी ए पॉइंट है सी है और डी है ये तो टी आर टी आर कंडीशन है टी आर टी आर कंडीशन सर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट रिटर्न रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ सर टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड रिटर्न फाइल अब गवर्नमेंट ने जो एडिशनल दो पॉइंट इंसर्ट किए हैं ये गवर्नमेंट बोलता है कि सप्लायर ने जी एस आर वन में दिखाना चाहिए और आपके जीएसटीआर टू बी में आना चाहिए नंबर वन क्या है टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ठीक है सर ये न, ये बोलता है जीएसटीआर वन में आना चाहिए जीएसटीआर वन में सप्लाई दिखाया हो आपके जीएसटीआर टू बी में आया है तो क्रेडिट ले ले बेटा उसके बाद आर फॉर रिसीट रिसीव द गुड सर्विसेज और बोथ तो ही क्रेडिट मिलेगा उसके बाद ये कि सर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर सेक्शन नंबर थर्टी एट में आपका जो क्रेडिट है वो अगर रिस्ट्रिक्टेड कॉलम में आ गया है तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा उसके बाद ये क्या बोल रहा है ये सर टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट होना चाहिए बाय द सप्लायर तभी आपको क्रेडिट मिलेगा आप फाइनल बेसिस पे जो आपके जीएसटी में आता है उसका क्रेडिट ले लीजिए लेकिन सप्लायर ने अगर बाद में टैक्स नहीं दिया गवर्नमेंट को तो जो आपने टैक्स लिया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा और सर बाद में अगर सप्लायर ने पे कर दिया तो, तो आप फिर से वापस ले लीजिएगा उसके बाद आर फॉर सर रिटर्न फाइल कीजिएगा बेटा रिटर्न फाइल करोगे अंडर सेक्शन नंबर थर्टी नाइन जो आपका मंथली रिटर्न रहेगा अगर वो फाइल करोगे मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं यस एवरीवन जल्दी बताइए सेक्शन नंबर सिक्सटीन सबको क्लियर है सिक्सटीन वन एलिजिबल इज ए रजिस्टर्ड पर्सन सिक्सटीन टू कंडीशन की बात किया उसके बाद आ जाइए आगे बढ़ते हैं हंड्रेड यहां तक क्लियर है चले आगे अब आता है प्रोवाइजो प्रोवाइजो मतलब एक एक्सेप्शन कि सर अगर समझ लीजिए आपने गुड्स मंगाए दस हजार बैग ऑफ सीमेंट सर सिर्फ सौ हजार बैग आए हैं अभी बाकी बैग्स ऑफ सीमेंट आने बाकी हैं याद रखिएगा अगर गुड्स लॉट में आ रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं बेटा जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाए उस दिन उसका इन्वॉइस का आप क्रेडिट ले लीजिएगा कभी भी गुड्स लॉट में आ रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं तो बेटा जिस दिन लास्ट लॉट मिल जाए उस दिन उस इनवॉइस का क्रेडिट लीजिएगा ये पहला प्रोवाइज बोलता है सेकंडली सुनिए पेमेंट जो आपको सप्लायर को करना है डेट ऑफ इनवॉइस से सुनिए जो आपका डेट ऑफ इनवॉइस रहेगा समझ लीजिए फर्स्ट ऑफ जनवरी डेट ऑफ इनवॉइस है और आपको अगर डेट ऑफ इनवॉइस में अगर आपको सर फर्स्ट ऑफ जनवरी में समझ लीजिए एक इन्वाइस मिला है तो सर आपको छह महीने का टाइम मिलता है सर मुझे एक बात बताइए जनवरी मंथ में अगर इन्वायस मिला है तो उस इन्वायस का क्रेडिट मैं ट्वेंटी एथ को समझ लीजिए आई मैंने अवेल कर लिया अवेल कितना कर लिया सर समझ लीजिए एक लाख रुपए का इन्वाइस था एटीन थाउजेंड का जीएसटी था इस इन्वायस में मैंने एटीन थाउजेंड रुपीज का जीएसटी क्रेडिट ले लिया अब सुनिए अब गवर्नमेंट बोलता है रमेश जिस दिन आपने जिस दिन आपको इनवॉइस मिला है उससे आपको 180 डेज मिलेंगे क्या आप मुझे बताओगे 180 डेज कब खत्म होते हैं क्या आप मुझे बताओगे 180 डेज कब खत्म होते हैं बताइए सर जनवरी मंथ में 31 डेज फर्स्ट डे छोड़ दे 30 डेज जनवरी सर 28 फरवरी 31 मार्च अप्रैल थर्टी मई थर्टी वन जून जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मे जून तो सर एक बात बताइए ये हो गए इफ आई एम नॉट रॉन्ग कितने दिन हो गए बाबा थर्टी डेज प्लस ट्वेंटी एट डेज प्लस थर्टी वन डेज प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी डेज ये हो गए वन एटी डेज मतलब सर थर्टी जून को वन एटी डेज खत्म होते हैं अब सुनिए अब सुनिए अगर आपने आईटीसी अवेल कर लिया और सर 180 डेज में अगर आपने क्लाइंट अपने आ, जो सप्लायर था उसको पेमेंट नहीं किया तो जो आईटीसी लिया है उसको जो रिटर्न फाइल करोगे उसके बाद सर ट्वेंटी जुलाई को मैं जो जीएसटीआर आर टू वी फाइल करूंगा उसमें जो क्रेडिट लिया था उस क्रेडिट को रिवर्स कर दूंगा अब सुनिए अब सुनिए सेक्शन नंबर 50 जो इंटरेस्ट की बात करता है सेक्शन नंबर 50 जो इंटरेस्ट की बात करता है उसने एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बोला 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 सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर ने अमेंडमेंट आया इस बार 50 जो इंटरेस्ट की बात करता है उन्होंने बोला कि सर आप जो क्रेडिट लिए हो मुझे एक बात बताइए आईटीसी टी अवेल्ड और आईटीसी यूटिलाइज में डिफरेंस बताइए आईटीसी टी अवेल्ड का मतलब होता है जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो क्रेडिट मांगना मांगने के बाद जब क्रेडिट आपके ई क्रेडिट लेज़र में आ जाए उसे हम आईटीसी अवेल्ड बोलते हैं रिटर्न फाइल किया गवर्नमेंट से अच्छा का क्रेडिट मांगा गवर्नमेंट ने यह अमाउंट आपके ई क्रेडिट लेज़र में डाल दिया उसे हम बोलते हैं आईटीसी अवेल्ड और आईटीसी क्लेम्ड ठीक है अब सुनिए अब अगर आप आईटीसी अवेल्ड को अपना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी समझ लीजिए आपका अठारह अच्छा हजार रुपया था 18000 के लिए आपने इस आईटीसी को 18000 को यूज कर लिया जो ई-रेट में था उसको यूज कर लिया इसे हम बोलते हैं आईटीसी यूटिलाइज्ड आईटीसी यूटिलाइज बेटा सुन ले अवेल मतलब रिटर्न फाइल करके मांगना मांगने के बाद उसको यूज करना अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए उसे हम बोलते हैं यूटिलाइज और इंटरेस्ट तभी लगेगा जब आपने आईटीसी को यूटिलाइज किया और जिस दिन आपने यूटिलाइज किया उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा बेटा ध्यान रखना आईटीसी टी अवेल्ड सुनिए अब मैं आपको पेमेंट ऑफ टैक्सेस में एक पॉइंट दिखा रहा हूं कि सर सेक्शन नंबर 50 में गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी अगर रॉन्गली अवेल किया प्लस आपने यूटिलाइज किया तो जब आप रिवर्स करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सुनिए ये 24 नहीं ये अमेंडमेंट है इस पॉइंट को आप 18 परसेंट लिख लीजिएगा पेज नंबर 37 पेज नंबर 37 में लिख लीजिएगा पेज नंबर 37 में लिख लीजिएगा कि आईटीसी अगर रॉन्गली अवेल किया है एंड यूटिलाइज किया है यूटिलाइज करने पे ही इंटरेस्ट लगेगा 18 परसेंट इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपने सिर्फ अवेल किया और यूटिलाइज नहीं किया ये रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 या ये अमेंडमेंट आ गया है अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि सर अगर आपने अब मुझे एक बात बताइए समझ ले मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने अवेल भी किया और यूटिलाइज भी कर लिया 20 फरवरी को यूटिलाइज कर लिया तो क्या आप मुझे बताओगे मैं जब 20 जुलाई को रिवर्स करूंगा तो क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा बताइए ट्वेंटीएथ फरवरी से लेकर ट्वेंटीएथ जुलाई तक का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ट्वेंटी जुलाई तक का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा फेब्रवरी में 28 डेज 20 डेज चले गए दिन मार्च के 31 डेज, अप्रैल के 30 डेज मई के मई के सर 31 डेज जून के 30 डेज एंड जुलाई के 20 डेज क्या आप मुझे बताओगे कितने दिन हो गए सर 50 प्लस 100, 150 एंड डेज हो गया सर तो मुझे एटीन थाउजेंड रुपीज देने के समय मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट इंटू वन डिवाइडेड बाय 365 इतना इंटरेस्ट भी साथ में रिवर्स करना पड़ेगा यस एवरीवन आई होप ये पॉइंट आप लोगों को 100 परसेंट क्लियर हो गया होगा चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सेम पूछता हूँ फिर से ठीक है सर फिर से बोल दीजिए जो बच्चे फोटो लेना चाहे तो फटाफट तू मेरी फोटो खींच ले चल स्माइल दे रहा फटाफट पड़ फोटो खींच ले ठीक है सर खींच लिया फोटो हमने अब नहीं खींचा तो सुन ले सर समझ लीजिए सेम एग्जाम्पल में मैं अगर आपको बोलूं कि सर मैंने आईटीसी अवेल तो यही कर लिया था लेकिन इस महीना इस महीना कोई मेरा लाइबिलिटी नहीं था अगर मेरा इस महीना कोई लाइबिलिटी नहीं था और समझ लीजिए मैंने बोला सर मैंने यूज नहीं किया मैंने इस आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया तो सर अगर मैंने ट्वेंटी मार्च को समझ लीजिए अवेल किया एटीन यहां पे 20 फरवरी को लेकिन यूटिलाइज किया मार्च को 18,000 यहां यूटिलाइज किया तो क्या आप मुझे बताओगे किस दिन से आईटीसी यूटिलाइज्ड हुआ सर 20th मार्च से तो अवेल्ड एंड जिस दिन आपने यूटिलाइज कर लिया उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा क्या आप मुझे बताओगे अब कितने दिनों के लिए इंटरेस्ट लगेगा बताइए फटाफट बताइए जल्दी जल्दी बताइए सर अब क्या होगा अब सेम पॉइंट में बस सर एक बात ध्यान रखिएगा आप जो ट्वेंटी मार्च बोल रहे हो तो अब इंटरेस्ट लगेगा सर ट्वेंटी मार्च में ट्वेंटी फर्स्ट मार्च से लगेगा ट्वेंटी डेज को छोड़ देना है मार्च के ग्यारह दिन आ गए सर अब कितने दिन हो गए बता बेटा बता फिफ्टी प्लस सिक्सटी टू वन ट्वेंटी टू डेज का अब इंटरेस्ट लगेगा आई होप हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी के साथ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा क्या हम आगे बढ़ सकते हैं यस ये सर पॉइंट ये क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं आ जाइए अब सुनिए मैंने आपको फिर से बोल दिया है ध्यान रखिएगा आ जाइए तो सर आपको यहां पे ध्यान रखना है क्या बोल रहा है पेमेंट टू सप्लायर विद इन वन एटी डेज आपको कर देना है इन के डेट से वैल्यू भी पे कर देना है टैक्स भी पे कर देना है अगर पे कर दिया अगर पे कर दिया तो वेरी गुड अगर आपने पे नहीं किया तो सर इफ नॉट देन आपको जो आईटीसी आपने अवेल किया था वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में पे करना पड़ेगा और आईटीसी अवेल एंड सर अगर आपने यूटिलाइज भी कर लिया था तो यूटिलाइज करने पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा मतलब बेसिकली जो आपने एक्चुअली क्या होता है एड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होता है आप आप रिवर्स कर देते हो. अपने में आप देते हो उस को और वो आप कर देते हो अपने में डाल उस उसके बाद किस दिन से फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग एंड यूटिलाइजिंग इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग एंड यूटिलाइजिंग अवेल करके दिन आपने कर लिया टिल द डेट द अमाउंट इज एडेड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जिस दिन आप पे करोगे तब तक आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जब एड होके मतलब रिवर्स करके आप पे कर देते हो तब तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा डन सर और यहां पे रूल नंबर थर्टी सेवन आता है अब यही रूल नंबर थर्टी सेवन का अमेंडमेंट है इस बार का देख लीजिए रूल नंबर थर्टी सेवन में बेसिकली यही पॉइंट यहां पे लिख दिया गया है जीएसटीआर टू का एक छोटा सा पॉइंट था क्योंकि जीएसटीआर टू चला गया क्योंकि जीएसटीआर आर लग चला गया है तो सर इस पॉइंट को भी जीएसटीआर टी टू का जो पॉइंट था उसको डिलीट कर दिया गया है उसके बाद सर पॉइंट नंबर जो रिडंडेंट था उसको हटा दिया गया है और सर यही बोला गया है वेर द सेट पर्सन अब सुनिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है सर रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू तो आई टी सी अवेल्ड अलॉन्ग विध आई टी सी अवेल्ड जो आपका अमाउंट था वो आपको पे करना पड़ेगा अब अगर आपने यूटिलाइज किया है तो अवेल्ड इंटरेस्ट प्लस आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट कब लगेगा बाबा अगर आपने यूटिलाइज कर लिया है तो इंटरेस्ट लगेगा वाइल फाइलिंग जीएसटी फॉर द टैक्स पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद सर नो रिवर्सल विथ रेस्पेक्ट टू टैक्स ऑन विच सप्लाईज टैक्स ऑन विच के ऊपर में पे कर रहे हो, उसके लिए नहीं है, Sir, supplies which are made without consideration, उसके ऊपर ये नहीं है और सर ऑन दैट पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज मेड बाई द रिसीपियन मतलब सप्लायर ने मुझे गुड्स बेचे सर सप्लायर ने मुझे गुड्स बेचे मैंने कुछ अमाउंट उसके बिहाफ में किसी और को पे कर दिया है तो उस अमाउंट रिलेटेड मुझे कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर अगर रिसीपेंट ने मीट कर लिया है तो उस अमाउंट के लिए कोई रिवर्सल नहीं होता है और एक बात ध्यान रखिएगा आई आप वापस ले सकते हो जब

नंबर 180 180 डेज डेज के के अंदर के अंदर आपने, अपने सप्लायर को पे कर दीजेगा. नहीं तो जिस दिन यू, अवेल करके आपने यूज कर लिया क्रेडिट उस दिन से लेके जिस दिन आप रिवर्स करके गवर्नमेंट को बेसिकली वो क्रेडिट रिवर्स कर रहे हो उस दिन तक आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18 परसेंट रिवर्स तो करना ही है अवेल करके अगर खाली रिवर्स कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा अवेल करके यूटिलाइज किया तो आपको जिस दिन यूटिलाइज किया उस दिन से आप इंटरेस्ट दे दीजिएगा एट द रेट ऑफ 18 परसेंट ठीक है सर पॉइंट क्लियर है उसके बाद अब आता है सेक्शन नंबर सिक्सटीन मैंने एक, एक एसेट खरीदा समझ लीजिए दस हजार रुपए का दो हजार रुपए का उस पर जीएसटी दिया था अब ये अगर एक कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी है तो सर आप एक काम कर सकते हैं ये दो हजार रुपए का या तो आप आईटीसी ले लीजिए या ये दो हजार रुपए को एसेट के साथ ही दस हजार रुपए का एसेट था उसके साथ दो हजार रुपए बारह हजार रुपए को कैपिटलाइज करके बारह हजार मतलब दो हजार प्लस दस हजार टोटल अमाउंट पे आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो या तो एक काम कीजिए दो का आई लीजिए या दो को आप सर कैपिटलाइज करके 2000 पे रुपए ले लीजिए दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेगा सर रजिस्टर्ड पर्सन इफ यू क्लेम डेप्रीशियन ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है 16 -4 क्या बोलता है सेक्शन नंबर बोलता है जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है टू क्लेम द क्रेडिट विद रेस्पेक्ट टू इनवॉइस एंड डेबिट नोट बेटा याद रखिएगा इन का अलग टाइम लिमिट चलता है डेबिट नोट के लिए अलग टाइम लिमिट चलता है इनवॉयस के लिए इन जिस साल इशू हुआ उसके नेक्स्ट ईयर का थर्टीए नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर याद रखिएगा ये थर्टीएथ नवंबर है थर्टीएथ डे ऑफ नवंबर पहले ये क्या होता था सेप्टेम्बर मंथ का रिटर्न जब फाइल करोगे अब गवर्नमेंट ने बोला वो सब बकवास बंद करो अब डायरेक्टली थर्टीए नवंबर एक डेट दे दिया डेबिट नोट पर अब सुनिए इनवॉइस के लिए इनवॉइस जिस साल इशू हुआ उसके बाद का थर्टीए नवंबर और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट डेबिट नोट के लिए जिस साल डेबिट नोट इशू हुआ उसके बाद वाला थर्टीए नवंबर और एनुअल रिटर्न का

जितना यूटिलाइज कर लिया बेसिकली उस पर इंटरेस्ट एटीन परसेंट का देना पड़ेगा उसके बाद सर अगर डेप्रिसिएशन लिया है तो आईटीसी मत लेना आईटीसी लिया है तो डेप्रिसिएशन मत लेना टैक्स कंपोनेंट का सेक्शन नंबर सिक्सटीन फोर और डेबिट नोट इनवॉइस एंड डेबिट नोट के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होता है सर मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है 30th डे ऑफ नवंबर या एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ड्यू डेट नहीं विच एवर इज अर्लियर बेटा ये जो ए प्लस चैप्टर है उससे ये जो चार्ट है ये ए प्लस प्लस है क्योंकि मुझे लगता है इस चार्ट से तीन मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट पूछना चाहिए याद रखिएगा सर अगर कोई इनवाइस है समझ लीजिए मैं बोलता हूं ट्वेंटी ट्वेंटी वन है यहां मैंने एक इनवाइस इशू किया इस इनवाइस के लिए टाइम लिमिट होगा यहाँ का जो थर्ट नवंबर होगा या जो एनुअल रिटर्न होगा इस साल का जो एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग होगा विच इज अर्लियर अब समझ लीजिए इस इनवाइस रिलेटेड मैंने एक डेबिट नोट यहां इशू किया है तो डेबिट नोट के लिए क्योंकि डेबिट नोट में इशू हुआ है उसका नेक्स्ट ईयर का आपको देखना है नवंबर और इस साल का, इस साल साल का 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 जो एनुअल रिटर्न एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग होता है विच एवर इज अर्लियर डन सर पॉइंट क्लियर है क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन द चैप्टर ऑफ आईटीसी सेक्शन नंबर सिक्सटीन डन आ जाइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर सेवनटीन एवरी वन ओवर सेक्शन नंबर सेवनटीन कर लेते हैं सुनिए आई टी सी के चैप्टर में पहला आता है सिक्सटीन फिर आता है सेवनटीन जो बोलता है अपोर्सनमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट सुनिए सेक्शन नंबर सेवनटीन में क्या बोला गया है सेक्शन नंबर सेवनटीन में सेवेंटीन वन टू थ्री सेक्शन नंबर सेवन एंड सेक्शन नंबर सेवनटीन फाइव आता है चलिए समझना शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 17 में सेक्शन नंबर 17 वन क्या बोलता है सेक्शन नंबर 17 वन बोलता है अगर गुड सर्विसेज और बोथ एक व्यक्ति यूज करता है पार्टली फॉर बिजनेस पर्पज एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज अगर कोई यूज करता है पार्टली फॉर बिजनेस पर्पज एंड पार्टली नॉन बिजनेस पर्पज तो उसे क्रेडिट मिलेगा बिजनेस पर्पज रिलेटेड ठीक है सर अगर मैं कोई चीज अगर कोई मैं इनपुट खरीदता हूं कोई भी इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेस और सर अगर मैं उसको टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड सप्लाई दोनों के लिए यूज करता हूं तो क्रेडिट मिलेगा जितना रिलेटिंग टू टैक्सेबल सप्लाई सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड है है उसके बाद बोला सेक्शन नंबर बोलता है कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो तू डिसाइड मत करना गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और गवर्नमेंट ने बोला रूल नंबर फोर्टी में हम बताएंगे कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा विधरेस्पेक्ट टू इनपुट इनपुट सर्विस एंड फोर्टी में कैपिटल के लिए गवर्नमेंट बताएगा उसके बाद सेक्शन नंबर सेवनटीन थ्री आता है सुन ले बेटा द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई देख बेटा जितना ज्यादा एग्जाम सप्लाई होगा उतना क्रेडिट कम मिलेगा क्योंकि सर समझ लीजिए सौ रुपए का क्रेडिट है टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई, सप्लाई रिलेटेड नहीं मिलेगा डेफिनेशन को बढ़ा दिया अंडर सेक्शन नंबर सेवनटीन टू जब आप अपोर्शन करोगे कि कि लेना है कितना क्रेडिट नहीं लेना है तो गवर्नमेंट ने बोला यहां आपको एग्जाम सप्लाई का क्रेडिट नहीं लेना है अब एग्जाम सप्लाई का अगर को बड़ा कर दे अगर एग्जाम सप्लाई बड़ा हो गया तो आपको तो क्रेडिट कम मिलेगा एंड गवर्नमेंट ने क्या किया सेक्शन नंबर 173 थ्री में एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन दिया और गवर्नमेंट ने बोला देख जनरली तो एग्जाम सप्लाई क्या होता है जनरली एग्जाम सप्लाई होता है नील रेटेड सप्लाई होली एग्जाम सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई ठीक है उन तीनों को तो तू एग्जाम सप्लाई में उन तीनों का ट्रांजेक्शन वैल्यू को ले लेना लेकिन सर फिर गवर्नमेंट ने बोला सेक्शन नंबर 173 थ्री में गवर्नमेंट ने देख नील रेटेड होली एग्जाम नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो था गवर्नमेंट ने डेफिनेशन को बढ़ा दिया और बोला रमेश अगर आप रिवर्स चार्ज की सप्लाई करते हो जिसमें सामने वाला व्यक्ति टैक्स देगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा रिवर्स चार्ज की सप्लाई आपकी एग्जाम सप्लाई मान ली जाएगी उसके बाद अगर आप सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हो सिक्योरिटीज तो गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है लेकिन सिक्योरिटीज अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो लैपटॉप यूज किया क्यों यूज किया ऑफिस का लैपटॉप उस पर आई लिया हुआ था तो हम सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन पे वन ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज उसको मान लेंगे एज योर एग्जाम सप्लाई उसके बाद सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग अगर आप लैंड भी बेचते हो या कंप्लीटेड बिल्डिंग भी बेचते हो बेसिकली जिसपे जीएसटी नहीं होता तो सर उसको भी आपको एग्जाम सप्लाई कंसिडर करना पड़ेगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को एग्जाम सप्लाई ले लेना उसके बाद लोगों को गवर्नमेंट ने बोला चल ठीक है एक काम करना हर महीना इंटरेस्ट वगैरह मतलब इंटरेस्ट को एग्जाम सप्लाई करने की जरूरत नहीं है मतलब एग्जाम सप्लाई होता है पैसा देना इंटरेस्ट कमाना एग्जाम सप्लाई होता है लेकिन आपको इंटरेस्ट इनकम को या जो डिस्काउंट होता है बाबा ये बिल डिस्काउंटिंग वाला डिस्काउंट है उस इनकम को कभी भी आपको एग्जाम सप्लाई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट, लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी अपोर्शनमेंट कर रही है तो उनके लिए तो एग्जाम सप्लाई इंटरेस्ट इनकम ही होता है वो तो एग्जाम सप्लाई में इंटरेस्ट इनकम को कंसिडर करेंगे मैं समझ लीजिए अपोर्शनमेंट कर रहा हूं तो इंटरेस्ट इनकम को एग्जाम सप्लाई कंसिडर नहीं करूंगा प्लस वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया इंडिया आउटसाइड क्या आपको याद है कि इंडिया के कस्टम स्टेशन से अगर आप इंडिया के बाहर गुड्स को लेके जा रहे हो इंडियन कस्टम स्टेशन से इंडिया के बाहर अगर आप लेके जा रहे हो तो सर वो पहले एग्जाम था और गवर्नमेंट ने बोला था इसको आप टेक्सीबल सप्लाई कंसिडर कर लेना लेकिन बेटा अब तो ये एनी वेज टैक्सेबल हो गया है तो ये टैक्सेबल सप्लाई में ही कंसिडर होगा अब ये एनी वेज एग्जाम रहा ही नहीं गवर्नमेंट ने बोला कि सर आप इसको एग्जाम सप्लाई कंसिडर मत करना लेकिन मैं बोलूंगा सर अब तो ये एनी वेज टैक्सेबल सप्लाई ही है उसके अलावा अब सुनिए एक और पॉइंट यहां पे छोटा सा ऐड कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है फिर भी ये एक अमेंडमेंट का पार्ट है तो मैं बोल देता हूं गवर्नमेंट यहां बोला कि सर अगर अगर आपने कोई ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेचा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट सर ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या होता है बेटा अगर आप ECIS स्कीम सर RODTEP स्कीम सर इस सब स्कीम में अगर कस्टम में एफटीपी में है ये उसमें गवर्नमेंट क्या करती है आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अंडर ECIS स्कीम RODTEP स्कीम देती है अब जब आप ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को बेचते हो ना उस पे जीएसटी रेट नील है मतलब वो है तो एग्जम्प्ट सप्लाई लेकिन गवर्नमेंट ने बोला आप उसको फॉर द पर्पज ऑफ सेवन थ्री एग्जाम सप्लाई कंसिडर नहीं करोगेउंट इनकम टैक्सेबल सप्लाई है वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विस है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप अगर आपने बेचा है इवन दो फिर भी उसको अपोर्समेंट परपज के लिए टैक्सेबल सप्लाई ही कंसिडर करना है मुझे बताइए क्या ये तीन पॉइंट हंड्रेड परसेंट क्लियर है चले आगे जल्दी बोलिए ये पॉइंट क्लियर है आई होप यस सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं मैंने आपको बोला सेक्शन नंबर 17 में सेक्शन नंबर 17 1 बिजनेस परपस नॉन बिजनेस परपस 17 2 टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई बिजनेस परपस एंड टैक्सेबल सप्लाई का क्रेडिट मिलेगा सर कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा गवर्नमेंट ने रूल नंबर 42 एंड 43 बताया है 173 में हमने पढ़ा नील रेटेड सप्लाई होली एग्जाम नॉन टैक्सेबल सप्लाई आरसीएम वाली सप्लाई 1 परसेंट ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड सर उसके बाद आपने लास्ट बोला सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग उसके बाद एग्जाम सप्लाई में नहीं इंक्लूड करना है किसको इंक्लूड नहीं करना है एग्जाम सप्लाई में सर नंबर वन इंटरेस्ट इनकम लेकिन बैंकिंग कंपनी इंटरेस्ट इनकम को एग्जाम सप्लाई मानेंगे आप नहीं मानोगे फॉर द पर्पज ऑफ अपोर्समेंट सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्सल फ्रॉम कस्टम से अब एग्जाम नहीं रहा तो ये एनी टैक्सेबल सप्लाई है एंड ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जब आप बेचोगे तो उसे भी अब हम टैक्सेबल सप्लाई कंसिडर करेंगे ठीक है सर फॉर द पर्पज ऑफ अपोर्शनमेंट उसके बाद आता है सेक्शन नंबर सेवनटीन फोर सेक्शन नंबर सेवनटीन फोर बोलता है बैंकिंग कंपनी बेटा बैंकिंग कंपनी इंटरेस्ट इनकम मेजरली कमाती है तो मैक्सिमम उसका एग्जाम सप्लाई सप्लाई होता है और टैक्सेबल कुछ कुछ होता है तो गवर्नमेंट के पास बैंकिंग कंपनी गई तो गवर्नमेंट ने बोला अपोर्समेंट लगा दे बैंकिंग कंपनी बोला सर हमें कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट ने बोला चल सौदा कर लेते हैं तेरे साथ या तो तू अपोर्शनमेंट फॉलो कर रूल नंबर फोर्टी टू फोर्टी थ्री लगा या बेटा एक काम कर तू हर एक महीना जो भी इनपुट खरीद के लाएगा इनपुट पे जो क्रेडिट होगा 50 परसेंट लेना इनपुट सर्विस लाएगा 50 परसेंट क्रेडिट लेना कैपिटल गुड्स लाएगा 50 परसेंट क्रेडिट लेना सर अगर कुछ भी नॉन बिजनेस पर्पज के लिए लाएगा आई मत लेना अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट है उसका भी इनपुट टैक्स मत लेना अगर तू अपने डिस्टिंग पर्सन से कोई भी इनपुट सर्विसेज लेगा तो सर उस पर हंड्रेड परसेंट क्रेडिट ले लेना बैंकिंग कंपनी के लिए बस बैंक ने बैंकिंग कंपनी को गवर्नमेंट ने ये एक ऑप्शन दे दिया कि सर आप हर महीना इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स पे 50 परसेंट क्रेडिट लेना 50 परसेंट भूल जाना उसके बाद प्रोवाइज लिखा एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी तो पूरे साल फॉलो करना पड़ेगा और 50 अप्लाई नहीं करता है डिस्टिंग पर्सन के केस में रूल नंबर 38 में भी अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट नहीं किया एक्चुअली रूल नंबर 38 जब आप देखोगे ना रूल नंबर 38 में एक्चुअली कुछ अमेंडमेंट हुआ ही नहीं यहां पे जीएसटीआर 2 जो डिलीट हो चुका है जीएसटीआर 2 का रेफरेंस भी गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया रूल नंबर 41 अमेंड हो चुका है और रूल नंबर 42 एंड 43 चला गया है तो यही अमेंडमेंट है एक्चुअली कुछ अमेंडमेंट रूल नंबर 32 में 38 में हुआ ही नहीं तो सर यहां गवर्नमेंट ने बोला इनपुट इनपुट सर्विसेज जो नॉन बिजनेस है उसका क्रेडिट मत लेना ब्लॉक क्रेडिट क्रेडिट का नॉन बिजनेस पर्पज और ब्लॉक क्रेडिट मत लेना उसके बाद अवेल द क्रेडिट और इनपुट इनपुट सर्विसेज जो आपने अवेल द क्रेडिट और इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज जो आपको डिस्टिंग पर्सन से मिले हैं और सर फिफ्टी परसेंट ठीक हाँ, है उसके बाद जो भी आपको डिस्टिंग पर्सन से मिला है इनपुट इनपुट सर्विस उसका आप क्रेडिट ले लीजिएगा ओके okay, वीडियो रुक गया था फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं सुनिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है अगर इनवर्ड सप्लाइज लिया है इनवर्ड सप्लाइज बेसिकली इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज आपने लिया है, डिस्टिंग पर्सन से तो सर आपको हंड्रेड क्रेडिट मिल जाएगा और फिफ्टी अमाउंट फिफ्टी परसेंट ऑफ द रिमेनिंगल बी आई टीसीडमिसबल आई टी सी एडमिसिबल मतलब इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स के ऊपर फिफ्टी परसेंट ऑफ द अमाउंट शैल बी एडमिसिबल एंड द बैलेंस ऑफ द आई टी सी शैल बी रिवर्स इन जीएसटीआर टू बी जीएसटी आर टू बी में आपको रिवर्स कर देना है ठीक है सर पॉइंट क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं थ्री भी में ठीक है अब यहां पे जीएसटीआर टू का रेफरेंस था वो सब डिलीट हो गया रूल नंबर फोर्टी वन में अमेंडमेंट आ गया तो रूल नंबर फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री जो फोर्टी टू फोर्टी थ्री जो डिलीट हो चुका है उनका रेफरेंस डिलीट हो गया है और कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ है अब सुनिए सर अगर मैंने कोई चीज बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज की है तो मुझे बिजनेस पर्पज रिलेटेड क्रेडिट मिलेगा अगर मैंने कोई चीज टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो के लिए यूज की है तो टैक्सेबल का क्रेडिट मिलेगा कैसे पता चलेगा कितना क्रेडिट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा आपको देखना पड़ेगा रूल नंबर फोर्टी टू एंड फोर्टी थ्री आ जाइए रूल नंबर फोर्टी टू एंड फोर्टी थ्री में आईटीसी आईटीसी में रूल नंबर फोर्टी टू एंड फोर्टी थ्री रिवर्सल की बात करता है रूल नंबर फोर्टी टू एंड रूल नंबर

रेड रेडवे रूल नंबर फोर्टी टू पढ़ा देता हूं आप बताइए देखिए अब मैंने कुछ पेपर्स यहाँ पे ले लिए हैं ये है टोटल क्रेडिट जो मुझे समझ लीजिए मैं आपको रूल नंबर फोर्टी टू समझा भी रहा हूं सुन लीजिए सर रूल नंबर फोर्टी टू समझ लीजिए मेरे क्लाइंट ने मुझे ये इन्वॉइसेस दिए इन इन्वायसेस के टोटल को ती लिखा मैंने यहाँ पे समझ लीजिए दस हजार रुपए का क्रेडिट है ठीक है सर अब सुनिए उससे क्या हुआ सर ये हो गया टोटल क्रेडिट उससे मैंने कहां क्या बाहर निकाल फेंका जो मेरा पर्सनल पर्पस रिलेटेड था ये इनवॉइस सुनिए ये पर्सनल रिलेटेड है क्या क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा सर बाहर निकाल फेंको तो सर टी से मैंने टी वन, समझ लीजिए हजार रुपए का क्रेडिट था बाहर निकाल फेंका उसके बाद सर जो था नेक्स्ट वाला जो था कि सर अगर मैंने कोई चीज खरीदी है जिसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहा हूं एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए ये इनवर्ड सप्लाई को यूज कर रहा हूं क्रेडिट नहीं मिलेगा बाहर निकाल के फेंको ठीक है सर टी टू चोर नंबर दो तो सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड समझ लिया हजार रुपया क्रेडिट था निकाल के फेंक दिया सर ये क्या था बिरयानी का बिल है सर ब्लॉक क्रेडिट निकाल के फेंक बाहर तो सर टी थ्री जो ब्लॉक क्रेडिट था हजार रुपए का उसको भी बाहर निकाल के फेंक दिया तो सर अब जो मेरे हाथ में बचा है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट C1 वन सात हजार रुपए का क्रेडिट दिखाएगा इसका आपको क्रेडिट ई क्रेडिट लेजर में ले लेना है आई आपको ई क्रेडिट लेजर में ले लेना है तो आपने सात हजार रुपए का क्रेडिट ले लिया ठीक है अब सुनिए उसके बाद आता है कि सर अब सुनिए सर ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है इसका क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए ठीक है सर सर ये जो है ना ये भी एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है तो इसका क्रेडिट भी आपको मिलना चाहिए अब जो बचा हुआ है ना सर वो खिचड़ी है सर तो खिचड़ी मतलब कॉमन क्रेडिट सी सी कॉमन क्रेडिट ठीक है सर तो मैंने कॉमन क्रेडिट खिचड़ी निकालने के लिए अपना क्रेडिट से जो सी वन था उससे क्या निकाल फेंका बाहर टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड बाहर रख दिया तो सर टी फोर बोलते हैं हम समझ लीजिए 2000 का क्रेडिट था जो टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड था ठीक है उसको बाहर रख दिया अब खिचड़ी निकल गई पांच हजार रुपए की खिचड़ी क्या आप मुझे बताओगे खिचड़ी कैसे निकालते हैं पहले इस टोटल को टी बोलते हैं से हम पहले चोर नंबर वन पर्सनल पर्पस रिलेटेड बाहर रख देंगे चोर नंबर दो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई रिलेटेड बाहर रख देंगे चोर नंबर तीन ब्लॉक क्रेडिट बाहर रख देंगे जो बच गया वो क्रेडिट है मेरा उसका क्रेडिट मैं ले लूंगा उसके बाद सर ये दो तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है तो कोई बात नहीं इसको रख ये जो बचा ये खिचड़ी है तो सर टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड एक बार और सर जो बचेगा वो है खिचड़ी खिचड़ी मतलब ये टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई बिजनेस नॉन बिजनेस सबके लिए यूज हुआ है तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर ये जो खिचड़ी है ना ये तो खिचड़ी है अभी खिचड़ी से तो एक काम कर सर जो तेरा एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है उसको बाहर निकाल दे डी वन बोलेंगे उसको और सर डी टू बोलेंगे जो नॉन चोइ से अब डी वन जो एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है उतना बाहर निकाल दीजिए कॉमन क्रेडिट से और सर डी टू जो पर्सनल पर्पज रिलेटेड है उसको बाहर निकाल दीजिए सर ये क्रेडिट तो आप ऑलरेडी टैक्सेबल सप्लाई और ये क्रेडिट तो आप ऑलरेडी ले चुके हो क्योंकि आपने सात हजार रुपए का क्रेडिट लिया है उससे अब आपको बाहर निकाल के फेंकना है एग्जाम सप्लाई रिलेटेड खिचड़ी से खिचड़ी से जो एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है और खिचड़ी से जो आपका बचा हुआ है रिलेटिंग टू नॉन बिजनेस पर्पस तो सर पांच हजार इंटू एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्न ओवर और सर यहां समझ लीजिए पांच हजार इंटू एग्जाम सप्लाई बाय टोटल टर्न ओवर हजार रुपए आ गया ठीक है और डी टू कैसे निकलेगा सर डी टू मतलब होता है जो कॉमन क्रेडिट होता है उसका बस एक डीम्ड पांच परसेंट गवर्नमेंट ने बोला आप बाहर निकाल के फेंक दीजिएगा पांच हजार का पांच परसेंट कितना हुआ दो सौ पचास रुपए अब जो बच गया जो बच गया क्रेडिट आउट ऑफ द कॉमन क्रेडिट क्रेडिट आउट ऑफ द कॉमन कॉम बोलते हैं C3, और सर थ्री कितना बचा फाइव जीरो अब सुनिए इन दोनों को इन दोनों को बोला जा रहा है देखिए इधर क्या बोल रहे हैं ये कि सर जो डी वन एंड डी टू है उसको आप रिवर्स कर दीजिए जीएसटीआर टू बी से जीएसटीआर सॉरी थ्री बी से आप रिवर्स कर दीजिए दैट्स इट एवरी वन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आपने सात हजार का क्रेडिट लिया और सर हजार प्लस बारह सो मतलब दो सौ पचास बारह सो पचास रिवर्स किया तो आपको एक्चुअली क्रेडिट कितने का मिला फाइव सेवन फाइव जीरो एंड दैट इज नथिंग अदर देन टू थाउजेंड रुपीज प्लस कॉमन क्रेडिट से जो आपका एलिजिबल क्रेडिट है देश प्लस दिस इज नथिंग अदर देन फाइव सेवन फाइव जीरो आई होप आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा सर बेटा फिर से बोल रहा हूं सुन ले याद रखना एग्जाम में हमेशा याद रखना पहले जो टोटल होगा ये टोटल क्रेडिट टोटल क्रेडिट से सर चोर नंबर एक पर्सनल पर्पज हटाना एग्जाम सप्लाई हटाना ब्लॉक क्रेडिट हटाना जो बचा वो है क्रेडिट क्रेडिट से क्या हटाएगा टैक्सेबल सप्लाई वाला साइड में रख देना सर उससे जो बच गया जो बच गया वो है खिचड़ी खिचड़ी से एग्जाम सप्लाई रिलेटेड आ, रिवर्स करना सर पर्सनल पर्पज का पांच परसेंट रिवर्स करना और बेटा कहानी खत्म हो गया है आई होप हंड्रेड क्लियर हो गया होगा अब सुनिए यही बोला है यहाँ पे टी से T1 T2 T3 हटा देना जो बच गया वो C1 होगा उसे टैक्सेबल सप्लाई हटा देना उसके बाद जो बच गया वो खिचड़ी है खिचड़ी से D1 जो एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है एंड D2 जो पर्सनल पर्पज का पांच परसेंट बोला हुआ है वो हटा देना जो बच जाएगा वो C3 होगा और हमेशा याद रखना D1 वन एंड डी को आपको रिवर्स कर देना है और सर यहाँ पे बोला गया है डी एंड डी को आपको रिवर्स कर देना है और उसके अलावा जो सी uh, था उसका क्रेडिट आप ई क्रेडिट लेजर में ले लीजिएगा अब यही यहां बोला हुआ है कि सर सी थ्री डी को आप जीएसटीआर आर थ्री बी में डिक्लेयर कर दीजिएगा डी वन एंड डी को आप जीएसटीआर आर थ्री बी में डिक्लेयर कर दीजिएगा या रिवर्स आप डी आर सी जीरो थ्री यूज करके भी रिवर्सल कर सकते हो उसके बाद यहां बोला है हर महीना डी वन एन डी टू डी वन एंड डी टू डी वन एंड डी डी टू आपको कैलकुलेट करना है और सुनिए अगर समझ लीजिए एक महीना में आपके पास एग्जाम सप्लाई या टोटल टर्नओवर कुछ भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो अगर करंट मंथ का नहीं है तो लास्ट महीने का लेके भी आप रिवर्सल कर सकते हो अब ठीक है मैंने क्या किया पूरा साल अप्रैल में जून जुलाई सारा पूरा साल का रिवर्सल किया तो गवर्नमेंट बोलता है पूरा साल का जो कॉमन क्रेडिट था कॉमन हर महीना कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एफ आपने किया D1, D2 निकाला अब पूरे साल का खिचड़ी निकाली है पूरे साल का कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय पूरे साल का ई डिवाइडेड बाय पूरे साल का एफ एज ऑन बेसिकली आप जब एंड आ जाएगा तो आप वो एक रिवर्सल अमाउंट निकालिए अब समझ लीजिए मंथली आपने जो टोटल अप्रैल में जून जुलाई का डी वन डी टू किया था जो रिवर्स किया था अमाउंट वो था समझ लीजिए पांच लाख रुपए और सर जो आपने मतलब हर महीना किया था वो पांच लाख रुपए था फाइनल निकल के आया जो एंड पे कैलकुलेट किया जिसमें ई e एफ आपने एक्चुअली लिया F मतलब टोटल टर्नओवर जो आपने एक्चुअली लिया सर तो आपने देखा कि आपको छह लाख रिवर्स करना चाहिए था तो ये बोल रहे हैं एक्सेस जो है वो एक लाख रुपए अब आप रिवर्स कर दीजिए इट ठीक है सर और सर आपको कुछ नहीं है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट पर एन एम आपका लगेगा जो बेसिकली आपको रिवर्स करना है अप्रिल में कर दीजिएगा अप्रिल से लेके अप्रिल से लेके सर टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट आई हो गया होगा। ठीक टोटल टर्न मतलब एग्जाम सप्लाई और टोटल टर्न ओवर आ जाता है तो ये बोलता है फर्स्ट अप्रैल से ही इंटरेस्ट चालू हो जाएगा टिल द डेट आप रिवर्सल नहीं कर देते ठीक है सर ये पॉइंट क्लियर हो गया ध्यान रखिएगा फाइनल अगर पांच लाख आया आपने प्रोविजनली छह लाख कर दिया है तो एक लाख जो आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट रिवर्स कर दिया था एक्स्ट्रा क्रेडिट जो रिवर्स कर दिया था अब वो क्रेडिट आप ई क्रेडिट लेजर में ले सकते हो दैट्स इट एवरीवन आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया हो ई बाई एफ जब भी कंसिडर करो एग्जाम सप्लाई बाय टोटल टर्न तो सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी स्टेट एक्साइज ड्यूटी वैट और सी को हटा देना क्या यह पॉइंट हंड्रेड क्लियर है चले नेक्स्ट में यस yes, सर आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में रूल नंबर फोर्टी थ्री की बात करते हैं सर रूल नंबर फोर्टी थ्री क्या बोलता है चलिए समझा देता हूं रूल नंबर फोर्टी थ्री रूल नंबर फोर्टी थ्री चलिए समझ लेते हैं आ जाइए रूल नंबर फोर्टी थ्री क्या बोलता है रूल नंबर फोर्टी थ्री बोलता है अपोर्सन मैं रिस्पेक्ट टू कैपिटल गुड्स सुनिए ये बोलता है कि सर समझ लीजिए आपने कोई कैपिटल गुड्स लाए मैं एक काम करता हूं फ्लो चार्ट से समझा देता हूं सर समझ लीजिए ये है माय मंथ ऑफ जुलाई अब जुलाई मंथ में अगर आपने समझ लीजिए कोई कैपिटल गुड नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लाए हो या एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस या एग्जाम सप्लाई के लिए तो सर उसका आपको आईटीसी नहीं लेना है आईटीसी इनपुट टैक्स डिक्लेयर इन द जी एस थ्री बी और सर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो सर नॉन बिजनेस पर्पज के लिए अगर कुछ खरीदा है तो आईटीसी नहीं मिलेगा एग्जाम सप्लाई के अगर कैपिटल गुड्स खरीदा है रूल नंबर फोर्टी थ्री कैपिटल गुड्स के अपोर्सनमेंट की बात करता है ठीक है सर एग्जाम सप्लाई के लिए खरीदा है तो भी आई नहीं मिलेगा उसके बाद अगर आपने एक्सक्लूसिवली नॉन एग्जाम सप्लाई इंक्लूडिंग रिलेटेड मतलब टैक्सेबल सप्लाई जिस जिसमें टैक्स है

उसका जो इनपुट टैक्स रेट है उसको लिख देना है, उसका क्रेडिट मुझे लेजर में में भी भी मिल जाएगा, और सर सर, सर उसको अपोर्शनमेंट अपोर्शनमेंट करना करना है, है है, है इसलिए उसका नाम ए ए कर दिया है पे कि बेटा करना है। ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने बोला अगर आप कोई एसेट को A से मतलब सी खरीदे थे

एक बात याद रखना क्योंकि तूने इतने समय तक उसे सिर्फ एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था तो टैक्स रिलेटिंग टू तो इंट्रीम पीरियड इंट्रीम पीरियड मतलब ये जो पीरियड था जितने दिन तूने उसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था वो कैलकुलेट कर लेना टैक्स रिलेटिंग टू तो इंट्रीम पीरियड जब तूने उस एसेट को एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था सर वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कुछ नहीं बाबा फाइव आपको कैलकुलेट करते हुए गवर्नमेंट को पे करना है टी आई आपको कैलकुलेट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है

आपको जीएसटीआर 3बी में डिक्लेअर करना है ओके अब सुनिए सर मुझे एक बात बताइए समझ लीजिए मैं और एक बात बोल देता हूं समझ लीजिए मैंने एक एसेट यहां पे टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा था तो उसका मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था मैंने एक एसेट टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा था और उसका क्रेडिट मैंने ले लिया था अब अगर जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा हुआ एसेट था मैंने जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा था एसेट उसको अगर मैं कॉमन यूज में डाल देता हूं तो टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करता हूं तो आई फिर से लेने की जरूरत नहीं है बेटा आई आप यहां लिखिएगा लेकिन ई क्रेडिट लेजर में फिर से क्रेडिट मत लीजिएगा ठीक है सर क्योंकि पहले ले चुके हो फिर से क्रेडिट मत लेना लेकिन यह अपोर्सन में तो जाएगा क्योंकि अब कॉमन यूज हो रहा है क्लियर है ये सर अब सुनिए ये जो है कि पहले टैक्सेबल से अब कॉमन में आ गया है उधर टी का कैलकुलेशन नहीं होता ठीक है सर उसके बाद अब सुनिए ये जो टोटल है यहां पे, पे एक सेकेंड हाँ ये जो टोटल है यहां पे सर ये टोटल को हम क्या बोलते हैं ये टोटल को हम बोलते हैं टीसी देखिए ए ए ए अगर कोई कॉलेज में बच्चे बोले हे hey, 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 तो उन्हें दे दिया जाता है टी सी तो हम इसे क्या बोलते हैं ए ए ए को हम क्या बोलते हैं टी सी बोलते हैं टोटल कॉमन क्रेडिट जो है सर ये ये इधर आपको निकल के आ जाएगा ये तो टोटल क्रेडिट है सर अब इसको हम क्या करेंगे टी सी को हम डिवाइड करेंगे तो मंथली पोर्शन मिल जाएगा टी सी डिवाइडेड बाई सिक्सटी आपको मंथली पोर्शन निकल के आ जाएगा अब सर ये जो मंथली पोर्शन है तो सर इस में से टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई कितना होगा जो मंथली पोर्शन है टी एम उसको एग्जाम सप्लाई से टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर करोगे तो सर जो मंथली पोर्शन निकल के आया उसको e by f से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो टैक्स रिलेटिंग सप्लाई निकल जाएगा इसको भी बेटा आप आउटपुट टैक्स को में लेना है, इसको रिवर्स करना है, इसको भी बेसिकली रिवर्स कर देना है आई होप ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे yes, याद रखिएगा जो भी कॉमन क्रेडिट है उनको अपोर्शनमेंट में डालना है टोटल बनेगा टीसी टीसी को डिवाइड 60 करोगे मंथली पोर्शन आएगा मंथली पोर्शन को e by f करोगे तो टैक्स रिलेटेड टू एग्जाम सप्लाई आ जाएगा द सर पॉइंट क्लियर है यही बोला है टोटल कॉमन क्रेडिट विल बी समेशन ऑफ ए व्हिच विल बी टीसी टीसी डिवाइडेड बाय 60 मंथली पोर्शन एंड सर मंथली पोर्शन को e by f करोगे तो टैक्स रिलेटेड टू एग्जाम सप्लाई आ जाएगा और सर उसको आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में दाल देना है। आई होप हंड्रेड परसेंट क्लियर है चल सकते हैं क्या आगे क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया है कि बेटा देख फिर से बोल रहा हूं अगर कोई एसेट नॉन बिजनेस के लिए खादा है आईटीसी मत लेना अगर कोई एग्जाम सप्लाई के लिए फायदा है आईटीसी मत लेना सर अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा है उसका आईटीसी क्रेडिट लेजर में ले लेना टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई के लिए अगर कुछ खरीदा है तो सर उसको अपोर्शनमेंट में डाल देना उसको ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट भी ले लेना और उसका अपोर्शनमेंट भी होगा अगर कोई पुराना एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे थे ऐसे अब कॉमन यूज करोगे तो सर उसको भी अपोर्सनमेंट में डाल देना पहले क्रेडिट नहीं लिया था अब क्रेडिट ले लेना और सर टी आई भी निकाल देना टीआई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में चला जाएगा टी आई कैसे निकलता है फाइव परसेंट पर क्वार्टर और पार्ट डेयर ऑफ के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा क्या ये पॉइंट क्लियर है कि सर टी आई कैसे निकलता है टैक्स रिलेटिंग टू इन टीम पीरियड जब उस एसेट को आपने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था टी आई ई आपको निकाल देना है फाइव परसेंट ये क्या बोल रहे हैं जो भी इन एलिजिबल आई टी सी है वो कैसे निकालोगे फाइव परसेंट पर क्वार्टर और पार्ट ईयर ऑफ के लिए आपको निकालना है ठीक है सर उसके बाद सर पहले टेक्सीबल सप्लाई के लिए यूज करा था अब कॉमन यूज करूंगा तो पहले आई टी सी ले लिया था फिर से आई टी सी लेजर में मत लेना जो भी अपोर्शन करना है कॉमन एसेट अब है उनको जो टोटल होगा उसको टीसी टीसी बोलेंगे, टी को डिवाइडेड e तो तो एड कर देना सर ये अमाउंट आपको एक रेट लेजर में मिल जाएंगे और सर ये भी आउटपुट टैक्स लाइब्रेटी में चला जाएगा आई होप हंड्रेड परसेंट क्लियर है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं यस सर पॉइंट क्लियर है यहां में सुनिए क्लोज करूंगा अपना डिस्कशन विध रूल नंबर फोर्टी टू एंड फोर्टी थ्री फिर से बोल देता हूं सेक्शन नंबर सेवेंटीन में क्या अमेंडमेंट है बस एक ही रेलिवेंट अमेंडमेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है यहां एग्जाम सप्लाई में अब ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को नहीं लिया जाएगा ड्यूटी सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा रूल नंबर थर्टी एट में कोई अमेंडमेंट नहीं है ओल्ड रेफरेंसेज जो थे वो हटा दिए गए ठीक है सर रूल नंबर फोर्टी टू एंड फोर्टी थ्री में क्या अमेंडमेंट हुआ है यहां भी बेटा जीएसटीआर एस टू का रेफरेंस था उसको डिलीट

अब आता है जो ब्लॉक क्रेडिट का बात करेगा आ जाइए सेक्शन नंबर सेवनटीन फाइव करेंगे यहां मेरा सेक्शन नंबर सेवनटीन वन टू थ्री फोर सिक्स खत्म हुआ सेवनटीन सिक्स में आ जाइए सेवनटीन फाइव में आ जाइए बाबा सेक्शन नंबर सेवनटीन फाइव में आ जाइए चलिए अब करेंगे ब्लॉक क्रेडिट आ जाइए ब्लॉक क्रेडिट कर लेते हैं आ जाइए ब्लॉक क्रेडिट कर लेते हैं सर सेक्शन नंबर सेवनटीन फाइव बाबा ब्लॉक क्रेडिट आएगा 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 ऐसा मेरा फीलिंग है ठीक है चलिए सेक्शन नंबर सेवेंटी फाइव ब्लॉक क्रेडिट में जो सेक्शन नंबर सेवन ए है वो बोलता है अगर आपने, अगर आपने आपने मोटर व्हीकल खरीदा मोटर व्हीकल खरीदा नंबर वन मोटर व्हीकल है नंबर टू एनी व्हीकल विच हैज ए मोटर नंबर टू ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाला व्हीकल है ठीक है सर उसके बाद अगर अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी सुन ले बेटा अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू थर्टीन लेस देन इक्वल टू थर्टीन अगर है इंक्लूडिंग द ड्राइवर ड्राइवर बैठाने के बाद भी उस गाड़ी में अगर तेरह लोग ही बैठ पाते हैं तो सर वो गाड़ी अनलकी हो गई तेरा तेरा मतलब सर अनलकी नंबर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा ऐसा ध्यान रख लेना ड्राइवर को बैठा के भी तेरह अगर होता है उस उस गाड़ी में लोग तो सर उसका क्रेडिट नहीं मिलता है याद रखना मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन और सर अगर लोगों को बैठाने के बाद भी सर लेस देन इक्वल टू थर्टीन होता है इंक्लूडिंग द ड्राइवर तो क्रेडिट नहीं मिलेगा लेकिन क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपने यूज किया है फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई नेमली क्या चीज के लिए आप यूज कर रहे हो उसे अगर यूज कर रहे हो एफ टी टी के लिए सर ये एफ टी टी क्या होता है फर्दर सप्लाई करने के लिए गाड़ी खरीदा सर लेस देन इक्वल टू थर्टीन देखिए बाबा मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू थर्टीन है तो ब्लॉक्ड है लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर आप गाड़ी खरीदते हो गाड़ी बेचने के लिए गाड़ी खरीदते हो गाड़ी रेंट पे देने के लिए फर्दर सप्लाई एंड सप्लाई जो टर्म है वो से, सेल ट्रांसफर बार्टर, एक्सचेंज लीज़, रेंटल लाइसेंस डिस्पोजल कोई भी फॉर्म हो सकता है राइट right एवरीवन? तो सर इन्होंने बोला अगर आप फर्दर सप्लाई के लिए गाड़ी खरीद रहे हो या सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अगर खरीद रहे हो या ट्रेनिंग और ड्राइविंग इन सच मोटर व्हीकल के लिए खरीद रहे हो फर्दर सप्लाई ट्रेनिंग और सर फॉर द सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ट्रेनिंग मतलब आप एक ड्राइविंग स्कूल तो अगर आप खरीद रहे हो तो सर उस केस में बोला गया है कि आपको क्रेडिट मिल जाएगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि वेसल एंड एयरक्राफ्ट पे क्रेडिट ब्लॉक रहेगा वेसल एंड एयरक्राफ्ट पे क्रेडिट ब्लॉक रहेगा उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला देख बेटा एक बात हमेशा याद रखना अनलेस ब्लॉक सारी चीजों का क्रेडिट अलाउड होता है अनलेस ब्लॉक अगर बिजनेस के लिए खरीदा है तो क्रेडिट मिलेगा लेकिन अगर ब्लॉक में बोल दिया है सिर्फ जिन चीजों को ब्लॉक में बोला है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा इवन दो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो ठीक है सर अब वैसे लेन एयरक्राफ्ट का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपने यूज कर लिया फॉर फर्दर सप्लाई सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या फिर अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो उस वेसल एंड एयरक्राफ्ट को यूज करके ट्रेनिंग मतलब शिप का केस में नेविगेशन सिखा रहे हो प्लेन का केस में उड़ाना सिखा रहे हो तो सर उस केस में ये बोल रहे हैं कि सर आपको क्रेडिट मिल जाएगा लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला देखिए यहां पे तो मोटर व्हीकल में तो ब्लॉक ही सिर्फ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन को किया था मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कभी ब्लॉक ही नहीं किया था लेकिन यहां पे गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा वेसल एंड एयरक्राफ्ट ब्लॉक कर दिया था इसीलिए पहले अलाउ किया फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग और फिर बोला अगर आप वेसल एंड एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो सर फॉर ट्रां ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा एक्सेप्शन में उसको डाल दिया तो सर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए मिलता है क्या हाँ सर वो तो ब्लॉक भी नहीं था तो मिलता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सर है लेकिन अगर आप एफ टी टी के लिए यूज करते हो तो क्रेडिट मिलेगा वैसे पूरा का पूरा ब्लॉक्ड है लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर एफ टी टी के लिए यूज करोगे मिल जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए करोगे तो भी मिल जाएगा आई होप ये पॉइंट क्लियर है अब एक बात याद रखिएगा अगर पप्पा अलाउड है, है तो सर बेटा भी अलाउड है पप्पा अलाउड नहीं है तो बेटा या बेटी भी अलाउड नहीं है मतलब सर अगर मेन व्हीकल पे क्रेडिट अलाउड है तो मेन व्हीकल का अगर आपने जनरल इंश्योरेंस करा लिया सर्विसिंग करा लिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा लिया जनरल general... क्या कराया सर्विसिंग करा लिया जनरल इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा लिया मेन व्हीकल पे अगर क्रेडिट अलाउड था तो सर सर्विसिंग जनरल इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे भी क्रेडिट अलाउड रहेगा लेकिन सर मेन व्हीकल पे जहां जहां क्रेडिट वेहकल है उसका आप सर्विसिंग कराओ 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 इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्रेडिट रहेगा उसके बाद आता है सर एक एक्सेप्शन यही बोल रहा है कि जनरली सर्विसिंग इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसिंग सर्विसिंग इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे क्रेडिट ब्लॉक उड है लेकिन मिल जाएगा अगर आप यूज कर रहे हो फॉर स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड मतलब फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग यस सर अगर आप यूज कर रहे हो यहां तो है सर्विसिंग इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे भी अलाउड रहेगा वेल एयरक्राफ्ट का अगर आप फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग कर रहे हो या आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हो तो भी क्रेडिट अलाउड रहेगा याद रखिएगा हमेशा उसके बाद बोला गया है सर्विसिंग इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस as credit. ब्लॉक नहीं रहेगा अगर आप फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग कर रहे हो अगर आप वेन रिसीव बाई एंड एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में हो तो सर आप अगर सर्विसिंग इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लेते हो तो क्रेडिट मिल जाएगा सर मैंने अगर समझ लीजिए कार का सर्विस अगर एक कार का इंश्योरेंस किया है अब वो कार का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट हुआ तो उस कार को ठीक करा के देना है तो अगर मैंने सर्विसिंग इंश्योरेंस या रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस लिया है मैं इंश्योरेंस की सर्विसेज देता हूं लोगों का कार वगैरह का इंश्योरेंस करता हूं और मैंने अगर सर्विसिंग इंश्योरेंस या पेरेंट मेंटेनेंस का सर्विस लिया तो क्रेडिट मिल जाएगा यही बोला है नेक्स्ट में कि अगर एक टैक्सेबल पर्सन है वो मैन्युफैक्चरिंग में है अगर एक टैक्सेबल पर्सन मैन्युफैक्चरिंग में है या एक टैक्सेबल पर्सन है इन सप्लाइंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट इन शॉर्ट बाय हेम ठीक है सर पॉइंट क्लियर है सुन ले बेटा सुन ले मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन लेस देन इक्वल टू थर्टीन क्रेडिट ब्लॉक एफ टी टी अलाउ हो जाएगा उसके बाद वेसल एंड एयरक्राफ्ट क्रेडिट ब्लॉक एफ टी टी क्रेडिट अलाउड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा उसके बाद सर्विसिंग इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्रेडिट ब्लॉक्ड है लेकिन अगर आप उसको एफ टी टी या वेसल का केस में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देखिए व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कभी क्रेडिट ब्लॉक ही नहीं था तो जहां क्रेडिट ब्लॉक ही नहीं था उसका सर्विसिंग इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट कभी ब्लॉक नहीं होगा यहां की बात कर रहे हैं हम जहां जहां क्रेडिट अलाउ किया था वहां पे उसका इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी अलाउ कर दिया जाएगा यह मैंने बोला है यहां पर उसके बाद अगर मैं मैन्युफेक्चरिंग में हूं अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूं और मोटर वेहिकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट या मैं मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस करता हूं तो भी मुझे क्रेडिट ऑफ सर्विसिंग इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंस अलाउड रहेगा उसके बाद आता है सर सेक्शन नंबर सेवेंटीन फाइव बी जो बोलता है कि वन टू थ्री ये तीन पॉइंट का क्रेडिट हमेशा ब्लॉक रहेगा नंबर वन फूड एंड बेवरेजेस आउटडोर केटरिंग फूड एंड बेवरेजेस अगर आप सप्लाई करते हो अपने एम्प्लॉइज के लिए समझ लिए खरीद लिया गवर्नमेंट बोलता है फूड एंड बेवरेजेस हमेशा याद रखिएगा फूड एंड बेवरेजेस का केस में अगर आपने फूड एंड बेवरेज खरीदा है फूड एंड बेवरेज का क्रेडिट हमेशा गए होटल में खाना उना खाए ऑफिस में बिल दे दिया उसका क्रेडिट कुछ नहीं मिलेगा फूड एंड बेवरेज क्रेडिट ब्लॉक है आउटडोर कैटरिंग का सर्विस लिया क्रेडिट ब्लॉक्ट है सर शाहरुख खान बोला शाहरुख खान की कंपनी ने बोला शाहरुख खान के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट लेंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट का क्रेडिट ब्लॉक्ट है और

अगर मैं समझ लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर ट्रेनिंग वगैरह के लिए यूज कर रहा पैसे और तब अगर लीजिंग रेंटिंग मोटर व्हीकल वेहिकल एंड एयरक्राफ्ट किया है तो क्रेडिट मिल जाएगा लेकिन सर जहां खरीदने ब्लॉक वहां लीजिंग रेंटिंग हायरिंग पे भी ब्लॉक ठीक है सर अब इधर एक छोटा सा क्लरिफिकेशन आया क्या चीज का लीजिंग रेंटिंग हायरिंग पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट अब एक क्लैरिफिकेशन छोटा सा गवर्नमेंट ने दिया कि सर समझ लीजिए बंधु है मैं हूं समझ लीजिए मैंने अपने मैंने ऑफिस में एक मशीन को लीज किया है तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है मशीन का लीजिंग या कोई और आइटम का लीजिंग अगर मैं करता हूं या रेंट पे लेता ऑफिस के लिए तो क्या क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा वाई और एन जल्दी बताइए यस और नो बोलिए मिलेगा सर ब्लॉक्ड, लीज़िंग, रेंटिंग, ऑफ एयरक्राफ्ट है कोई और चीज अगर कोई और चीज अगर है तो मशीन समझ लीजिए लीज पे लिया है तो उसका क्रेडिट समझ लीजिए मशीन है या अदर आइटम है उसका अगर लीजिंग रेंटिंग हायरिंग है तो तो क्रेडिट अलाउड रहेगा बस ये एक छोटा सा क्लारीफिकेशन आया मैंने आपको अमेंडमेंट भी यही बोल दिया ठीक है सर चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद सर कोई अगर आपने हेल्थ सर्विसेज लिया है उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ट है कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सोचा थोड़ा लंबा करवा लेता हूं गवर्नमेंट ने बोला बेटा कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी पे क्रेडिट ब्लॉक्ट है लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लेगा उस पर भी क्रेडिट हमेशा ब्लॉक्ट है उसके बाद अब सुनिए जनरली इन चीजों पर क्रेडिट ब्लॉक्ड है लेकिन सर समझ लीजिए मैं फूड एंड बेवरेजेस वाला हूं मैं किसी और से फूड एंड बेवरेजेस का सर्विस लेता हूं केटर ने केटर को सर्विस दिया लीजिंग रेंटिंग हायरिंग और मोटर व्हीकल वाले ने अनदर पर्सन को लीजिंग रेंटिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल किया है तो सर अगर मैं भी लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल हूं सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर हो रहा है हेल्थ सर्विसेज वाले ने हेल्थ सर्विसेज वाले को कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी वाले ने कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी वाले को लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस वाले ने दूसरे लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस वाले से सर्विस ली तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे हमेशा आई मिल जाएगा ठीक है सर चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद एक एग्जाम्पल देता हूं समझ लीजिए यहां सौरभ है सौरभ बोला सर मेरा शादी करवाओ मैंने बोला ठीक है मैं एक इवेंट मैनेजर मैंने बोला सौरभ तेरा शादी करवाएंगे सौरभ ने बोला सर फूड एंड बेवरेजेस फूड एंड बेवरेजेस जो है वो मेरी शादी में आप सप्लाई करना मैंने फूड एंड बेवरेजेस वाले का सर सामान खरीदा इसको यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस वाले से सर्विस लिया केटर से सर्विस लिया इसने बोला सर शादी में थोड़ा ब्यूटी ट्रीटमेंट करा दीजिए मैंने ब्यूटी ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विस लिया इसने बोला सर एक मोटर व्हीकल भी रेंट पे ले लीजिए मुझे कार में थोड़ा दूल्हा बन के आना है मैंने बोला चल ठीक है इसने बोला सर शादी हो रही है थोड़ा एक नाक वाक टेढ़ा वड़ा है थोड़ा ठीक करवा दीजिए सर शादी हो रही है मेरा इंश्योरेंस भी ले दीजिए मैंने बोला ठीक है इवेंट मैनेजर ने मैंने क्या किया अपना आउटवर्ड सर्विस देने के लिए जो एक कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई था वो देने के लिए जो एक टैक्सेबल कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई था वो देने के लिए अगर ये सारे सर्विसेज लिए तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा यही बोला गया यहां पे अगर ये सारे चीजें आपने एज ए एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई लिया है तो ये सारी चीजों का क्रेडिट मिल जाएगा अब सुनिए एयरलाइन कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है उसके साथ खाना देती है अगर ट्रांसपोर्टेशन के साथ खाना दे रही है और वो एक कॉम्पोजिट सप्लाई है तो सर अगर उसका समझ लीजिए चार्जेस फूड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन तो सर एयरलाइन कंपनी जब खाना खरीदेगी फूड एंड की सर्विस लेगी क्रेडिट हमेशा लेके जा जा, ले आ जा डायरेक्टर को बोला अरे मोटा हो गया हेल्थ सर्विस ले ले। वो अगर जिम मेंबरशिप वगैरह का बिल वगैरह लाके देंगे तो बेटा कंपनी को कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा उसके बाद मैंने क्या किया एम्प्लॉयज को बोला बड़ा अच्छा काम किये हो चलो तुमको छुट्टी में भेजता हूं को में दिया. ने फिर बिल वगैरह दिया उन सबका कोई क्रेडिट वगैरह नहीं मिलेगा अब सुनिए एक छोटा सा क्लारिफिकेशन यहां आया कि सर ओके क्लारीफिकेशन से पहले मुझे एक बात बताइए अब ये वन पॉइंट ये टू पॉइंट और ये जो थ्री पॉइंट था इन तीनों को अगर एक एम्प्लॉयर ने इसलिए दिया है क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ था अगर ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ था टू फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू इट्स एम्प्लॉय तो बेटा याद रखिएगा तीनों में जो भी चीज जो भी चीजें एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को इसलिए प्रोवाइड किए हैं क्योंकि ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ था तो सर क्रेडिट मिल जाएगा फॉर एन एग्जाम्पल मैंने केटरिंग का सर्विस इसलिए लिया क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट बोलता था एम्प्लॉयज को खाना देना पड़ेगा तो मुझे वो केटरिंग का क्रेडिट मिल जाएगा याद रखिएगा अब इधर एक अब इधर एक क्लारिफिकेशन आया लोगों ने पूछा सर ये जो ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ है ये वन टू और थ्री तीनों को एप्लीकेबल है या सिर्फ ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ वाला पॉइंट इस ये सारों को एप्लीकेबल है गवर्नमेंट ने बोला नलायक जब रमेश सर ने ऑलरेडी लिख दिया कि ये ये और ये इसके बीच में जब लिख दिया है और डायरेक्शन भी दे दिया है कि तीनों को एप्लीकेबल है तो ये तीनों को एप्लीकेबल है कि अगर ये तीनों चीजें ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ थी तो क्रेडिट मिल जाएगा गवर्नमेंट ने सिंपल सा क्लैरिफिकेशन निकाला कि ये जो प्रो, प्रो, प्रोवाइजो था ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है कोई चेंज नहीं हुआ पहले भी हम ऐसे ही पढ़ते थे अभी भी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि हाँ सर तीनों में तीनों चीजों को तीनों चीजें अगर ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ थी ये ये और ये अगर ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ थी तो सर उस केस में क्रेडिट एम्प्लॉयर को मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं राइट साइड आ जाइए उसके बाद आगे बोल रहे हैं

सर्विस जिससे आपने लिया है है वो जो जीएसटी चार्ज किया है, उसको भी कैपिटलाइज कर दीजिए उसका आईटीसी हम नहीं देंगे लेकिन अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो लिया किसी से और उसको खर्चे में डाला पी एल अकाउंट में तो जो जीएसटी लगा के उसने आपको चार्ज किया है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है अगर कैपिटलाइज है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमू प्रॉपर्टी जो प्लांट एंड मशीनरी है मेरे बिल्डिंग में समझ लीजिए मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी को कंस्ट्रक्ट करना था तो गवर्नमेंट ने बोला प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है तो क्रेडिट मिल जाएगा मैं एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर हूं और वर्क कॉन्ट्रैक्टर से क्रेडिट लिया तो गवर्नमेंट बोलता है वर्क कॉन्ट्रैक्टर टू वर्क कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट अलाउड है ठीक है सर प्लांट एंड मेशनरी

गुड्स एंड सर्विस खरीदूंगा और अपना बिल्डिंग बना लूंगा गवर्नमेंट ने बोला नलायक अगर तू गुड्स सर्विसेज खरीद रहा है तू एक टैक्सेबल पर्सन है गुड्स सर्विसेज रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी ऑन इज ओन अकाउंट और अगर तू उस खर्चे को कैपिटलाइज करने वाला है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा लेकिन सर समझ लीजिए मेरे मेरे बिल्डिंग में कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम हो रहा था मैंने गुड्स एंड सर्विसेज ली और मैंने वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कराया और सर मैंने क्या किया खर्चा को पीएनएल में डाला तो वो जो गुड्स एंड सर्विस आपने खरीदा है उसका जीएसटी का क्रेडिट आपको मिल जाएगा उसके बाद मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं मैं एक प्लांटेड मशनरी बनवाऊंगा गुड्स खरीदूंगा सर्विसेज लूंगा और एक प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट करूंगा गवर्नमेंट ने बोला प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट करने पर हमेशा आई मिल जाएगा दोनों पॉइंट में एक ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट में ध्यान रखिएगा जहां मैंने बोला है क्रेडिट नहीं मिलेगा वहां क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपने उस खर्चे को पीएनएल अकाउंट में लेके गए हो अगर उसको कैपिटलाइज किया बैलेंस शीट में तो नहीं मिलता है क्रेडिट तो अगर पीएनएल में लेके गए तो क्रेडिट मिल जाएगा उसके बाद मैं हूं कॉम्पोजिशन डीलर एक परसेंट एक परसेंट दो एक परसेंट एक परसेंट पांच परसेंट छह परसेंट टैक्स दिया है आपको तो बिल ऑफ सप्लाई दिया है आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा उसके बाद अगर मैं एक एनआरटीपी हूं एनआरटीपी को कभी क्रेडिट नहीं मिलता लेकिन एनआरटीपी जब गुड्स इंपोर्ट करता है इंडिया के बाहर से इंडिया में इंपोर्टेशन पे इंपोर्टेशन पे जो भी जीएसटी लगा है उस जीएसटी का आई जीएसटी का क्रेडिट उसे मिल जाता है सर मैंने टी शर्ट खरीदा फॉर पर्सनल कंजम्पशन गवर्नमेंट बोलता है नालायक भाग जाए यहां से क्रेडिट नहीं मिलेगा उसके बाद सेवनटीन फाइव हेच में बच्चों को बोलता हूं याद कर ले फाइव हेच गुड्स लॉस्ट आईटीसी लॉस्ट गुड्स आईटीसी स्टोलन गुड्स गिफ्टेड आईटीसी गिफ्टेड गुड्स इट बाय बाई रैड चूहे खा गए आईटीसी भी चूहे खा गए याद रखना हमेशा गुड्स लॉस्ट टोलन डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ बाई वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल आपका आई भी गया ठीक है सर उसके बाद आता है सेवन आई जो बोलता है टैक्स इवेट कर रहा था। तेरे को रोका गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया और तेरे से अगर कोई भी टैक्स वगैरह लिया जीएसटी वगैरह लिया अब सुन तूने तेरे फ्रंट पार्टी को बोला सर मैं तो रस्ते में पकड़ा गया और आपके कारण क्योंकि आपने बोला था कंपनी चार्ज करके भेज दो अब जो टैक्स लगाए आपको डेबिट नोट दूंगा बेटा उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा ठीक है सर याद रखना हमेशा मैं इसको बोलता हूं चोर केसेस केसे, जो चोर होते हैं वो बोलते हैं सर गुड्स तो चोरी हो गया गवर्नमेंट बोलता है आईटीसी भी चोरी होगी गुड्स तो सर जल गया आईटीसी भी जल गया ठीक है और एक होता है इसको हम बोलते हैं टोटल तो थीप टोटल तो थीप का मतलब क्या होता है कंप्लीट चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया चोरी करते या एक तो होता है चोर एक होता है चोरी करते हुए पकड़ा जाना उसे हम बोलते हैं कंप्लीट चोर टोटल तो थीप ठीक है सर अब सुनिए अब मैंने यहां लिखा है, में, सब है अगर कैपिटलाइज हुआ है तो जीएसटी नहीं मिलेगा अगर आपने में डाल दिया है, तो जीएसटी मिल जाएगा प्लांट में अपार्ट इक्विपमेंट मशीनरी सब इंक्लूड होता है अब समझ लीजिए मेरे बिल्डिंग में मैंने एक बॉयलर इंस्टॉल करवाया और बॉयलर के नीचे फाउंडेशन स्ट्रक्चरल सपोर्ट वगैरह बनवाया तो यह बोलते हैं फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट सुनिए

लैंड एंड बिल्डिंग समझ लीजिए मैंने ये मशीन के ऊपर पूरा बिल्डिंग ही बनवा दिया वो सब का क्रेडिट नहीं मिलेगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो होता है उसका क्रेडिट मिलता है टेलीकोम्युनिकेशन टावर क्रेडिट नहीं मिलेगा टेलीकोम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का मिलता है टावर का नहीं मिलता और अगर पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर बिछाई है गवर्नमेंट बोलता है हम गिनने थोड़ी जाएंगे कितना लंबा पाइपलाइन है गवर्नमेंट बोलता है फैक्ट्री के बाहर का पाइपलाइन का क्रेडिट नहीं मिलेगा फैक्ट्री के अंदर का पाइपलाइन का क्रेडिट मिल जाएगा बाहर का क्रेडिट नहीं मिलेगा सर याद कैसे रखें देखिए बाबा ओनली फॉर क्लासरूम परपस मैंने ड्राइंग बनाया है समझ लीजिए ये एक बंदा है यहां पे इसे किस टाइप के आ, सर्विसेज चाहिए सर एक तो सिगरेट मार रहा है यहाँ पे इसे तो हेल्थ सर्विसेज चाहिए इसे थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी करा के ब्यूटी ट्रीटमेंट दिला देते हैं सर इन तीनों का क्रेडिट ब्लॉक्ड है अब सर इसे हेल्थ सर्विसेज लेनी थी हेल्थ सही बनानी थी तो इसने क्या किया एक मोटर व्हीकल लिया मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक्ड है उसके बाद सर ये चला गया जिम ये जो हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप होता है उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता उसके बाद चला गया बेटा क्लब क्लब मेंबरशिप वगैरह जो होता है उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता उसके बाद ये बन गया बॉडी बिल्डर अब बॉडी बिल्डर बनने के बाद कॉन्फ्लिक्ट करने लगा कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई करने लगा तो लड़ाई में सर इसका फुलफॉर्म भी बता दीजिए हां बेटा सुन सी फॉर कंस्ट्रक्शन सी फॉर कंस्ट्रक्शन अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया हो या सर ओन कंस्ट्रक्शन किया है मतलब खुद गुड सर्विसेस खरीद के कंस्ट्रक्शन किया क्रेडिट नहीं मिलेगा ओ फॉर आउटडोर कैटरिंग हमेशा याद रखेगा आउटडोर कैटरिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा n for nrtp को क्रेडिट नहीं मिलता है अदर देन गुड्स इंपोर्टेड f जो उसने इंपोर्ट किया है उस पे जो जीएसटी दिया उसका क्रेडिट मिल जाएगा फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट नहीं मिलता li मतलब लाइफ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलता उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो भी आप दोनों बोल लीजिए लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलता c for कंपोजिशन टैक्स जो होता है कंपोजिशन टैक्स उसका क्रेडिट नहीं मिलता t for ट्रैवल बेनिफिट ट्रैवल बेनिफिट जो आप एम्प्लॉयज को देते हो जो वेकेशन में छुट्टी मनाने गए उसका क्रेडिट नहीं मिलता टी फॉर थीफ चोर केसेज गुड्स लॉस आई टीसीड आई टी सी स्टोल डेस्ट्रॉइड आई टीसी डेस्ट्रॉइड गुड चूहे खा गए आई टी सी चूहे खा गए उसके बाद सर आता है टोटल थीफ टोटल थीफ होता है मैं तो रस्ते में जा रहा था इवेशन कर रहा था पकड़ा गया तो बेटा आई टी सी गया चलिए यहां मैं क्लोज करूंगा ए क्विक रिकैप ऑफ आवर ब्लॉक क्रेडिट कॉन्ग्रेचुलेशन पीपल सेक्शन नंबर सेवनटीन ख़त्म चलिए आ जाइए सेक्शन नंबर एटीन में लास्ट सेक्शन कर लेते हैं आ जाइए सेक्शन नंबर एटीन करेंगे आ जाइए सेक्शन नंबर एटीन करेंगे आ जाइए बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है सेक्शन नंबर एटीन चलिए कर लेते हैं सर हमने आईटीसी के चैप्टर में सीखा सेक्शन नंबर सिक्सटीन बेटा सेक्शन नंबर सिक्सटीन याद है बोल सेक्शन नंबर सिक्सटीन वन रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल है सेक्शन नंबर सिक्सटीन टू कंडीशन फॉर टेकिंग द आईटीसी सेक्शन नंबर सिक्सटीन थ्री डेप्रिसिएशन लेगा तो आईटीसी मत लेना आईटीसी लेगा तो डेप्रिसिएशन मत लेना सेक्शन नंबर सिक्सटीन फोर मैक्सिमम जो टाइम लिमिट होता है थर्टी एथ नवंबर होता है एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट होता है विच एवर एस ऑर्डर उसके बाद आता है सेवनटीन सेवनटीन वन बिजनेस पर्पज नॉन बिजनेस पर्पज की बात किया टू बात किया टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई थ्री बात किया एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन फोर्थ बात किया बैंकिंग कंपनी 50 परसेंट मिलेगा बाकी भूल जाएगा फिफ्थ बात किया ब्लॉक क्रेडिट और सर इन दोनों में अपोर्शनमेंट कैसे होना है वो 17 सिक्स बात किया इतना सही तो चैप्टर है चल आ 18 पढ़ा देता हूं आ जाइए सेक्शन नंबर 18 में सरकमस्टेंसेस इन स्पेशल सरकमस्टेंसेस जब आपको क्रेडिट मिलेगा कुछ स्पेशल सरकमस्टेंसेस की बात हो रही है चलिए शुरू करते हैं आ जाइए सेक्शन नंबर एटीन वन एटीन टू सेक्शन नंबर एटीन थ्री उसके बाद आता है एटीन फोर एटीन फाइव एक ज्ञान बाज सेक्शन है जो ज्ञान देता है उसके बाद सेक्शन नंबर एटीन सिक्स आता है चलिए सेक्शन नंबर एटीन वन बोलता है कि सर पहली पहली बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया बच्चे बोल रहे हैं सर पहली पहली बार रजिस्ट्रेशन अगर आपने लिया है उसके लिए सेक्शन रजिस्ट्रेशन अप्लाइड विद इन थर्टी डेज पीपल मैं यहां लायबल हुआ मुझे तीस दिन में अप्लाई करना था मैंने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन मिला रजिस्ट्रेशन यहाँ से वैलिड हुआ तो इसके एक दिन पहले मेरे पास तो सर डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल उसके एक दिन पहले मेरे पास जो भी इनपुट इनपुट इन स्टॉक था इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स था और फिनिश गुड्स था उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा देख फिर बोल रहा हूं मैं यहां लायबल हुआ तीस दिन में एप्लीकेशन दिया रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिला रेजिडेंट सर्टिफिकेट यहां से वैलिड हुआ उसके एक दिन पहले

फिनिश गुड इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट फ्रॉम विच बिकम लाइबल अंडर सेक्शन नंबर नाइन जिस दिन से आप सेक्शन नंबर नाइन में नॉर्मल टैक्स देने लग गए उसके एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट इन स्टॉक सेमीफिनिश गुड फिनिश गुड था उसका क्रेडिट मिलेगा प्लस कैपिटल गुड्स का भी जब कैपिटल गुड्स खरीदा था उस दिन से बेसिकली आपको देखना है फाइव परसेंट पर क्वार्टर और पार्ट डेर ऑफ याद रखिएगा क्वार्टर जीएसटी में फिक्स्ड होता है कोई हाफ क्वार्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता क्वार्टर हमेशा फिक्स्ड होता है क्वार्टर मतलब अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जैन फेबेन मार्च क्वार्टर हमेशा फिक्स होता है याद रखना बेटा एग्जाम में ठीक है उसके बाद तो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी मिलेगा हमेशा याद रखिएगा सर क्वार्टर अब सुनिए क्वार्टर का बात छोड़ सर कॉम्पोजिशन डीलर अगर रेगुलर टैक्स पेयर बन गया मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड था अब अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आ गया उसके अलावा सर अगर एग्जाम सप्लाई कर रहा था एक रजिस्टर्ड पर्सन और अब टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है बेटा पहले एग्जाम सप्लाई कर रहा था और रजिस्टर्ड था और अब टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो जिस दिन से उसका सप्लाई टैक्सेबल हो गया उसके एक दिन पहले जो भी इनपुट इन स्टॉक सेमी गुड्स और फिनिश था उसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा प्लस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी मिलेगा कितना मिलेगा सर पांच पर जिस दिन आपने कैपिटल गुड्स खरीदा वहां से आपको फाइव परसेंट पर क्वार्टर और पार्ट दे ऑफ बेसिकली अगर कोई पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी है उसको फुल क्वार्टर मानते हुए पांच परसेंट का रिडक्शन करना है आईटीसी से और जो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा बेटा एक बात याद रखना लायबल हो गए तीस दिन में एप्लीकेशन एप्लीकेशन नहीं दिया दिया उसके बाद दिया और रजिस्ट्रेशन मिला तो पोर्टल आपको अलाउ ही नहीं करता आईटीसी देगा ही नहीं आपको स्पेशल सरकमस्टेंस में तीस दिन में आपको लायबल होने के तीस दिन में अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही आपको क्रेडिट दिया जाएगा याद रखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन क्रेडिट अवेलेबल एम अप्लाइड विद इन डेज ऑफ बिकमिंग ये जो स्पेशल में मैंने आपको बोला इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता है अगर आपने अगर आपने सर एक साल से पहले कोई भी इनपुट या कैपिटल गुड्स खरीदा था जिस दिन आप क्रेडिट ले रहे हो उसके एक साल पहले देखना एक साल से पुराना अगर कोई भी इन्वॉइस है तो सर भूल जाओ उसको भूल जाओ उसे वो तेरा नहीं है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा नो आई टी सी ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ फॉर इन्वॉइसिस ओल्डर देन वन ईयर जो एक साल से पुराना है उसे भूल जाना है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे उसके बाद रूल नंबर फोर्टी आता है जो बेसिकली यहां स्पेशल सरकमस्टेंस की बात करता है ये क्या बोलता है कि सर मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है याद रखना एंड एंड दो ही जगह आपको क्रेडिट मिलता है ठीक है सर जहां आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे कॉम्पोजिशन डीलर रेगुलर टैक्सपेयर बन गया जो एग्जाम सप्लाई करता था और रजिस्टर्ड था उसकी सर सप्लाईज सप्लाईज बन गए मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन अगर पहले भी रजिस्टर्ड था भी रजिस्टर्ड है तो उस केस में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट दिया जाता है कैपिटल गुड्स का क्रेडिट अंडर 181 सी एंड डी तब मिलता है जब इनपुट टैक्स जो आपने 181 सी एंड डी में मिलता है जो इनपुट टैक्स लिया था आपने उसे 5% का रिडक्शन करना जो बैलेंस बचा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस देखना है आधा क्वार्टर फुल क्वार्टर माना जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन कैसे लेगा क्रेडिट जिस दिन आप एलिजिबल हो गए जिस दिन आप एलिजिबल हो गए उस दिन से आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है ऑनलाइन जाके जीएसटी आई टी सी जीरो वन में टू द इफेक्ट दैट ही इज जितना आपको क्रेडिट मिलना है कि सर याद रखिएगा इनपुट इनपुट इन स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स गुड्स का फुल क्रेडिट मिलता है और एटीन वन सी एंड डी का केस में कैपिटल गुड्स का प्रपोशनेट मतलब जो भी प्रपोशनेट uh, मतलब जो भी क्रेडिट था उसे पांच परसेंट रिड्यूस करके रिड्यूसड अमाउंट ऑफ क्रेडिट आपको दिया जाता है ठीक है सर उसके बाद और ये जो डिक्लेरेशन है इसमें आपको क्लियरली बताना है कितना इनपुट इनपुट इन सेमी सेमीफिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स था जिस दिन आप क्लेम कर रहे हो बेसिकली क्रेडिट मतलब एक दिन पहले जिस इमिडियटली डे का जो भी क्रेडिट है वो आपको बताना है और सर इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा अगर क्लेम ग्रेटर देन टू लैक है बेटा आई होप आपको इमिडिएटली प्रिसीडिंग मतलब समझ में आ गया हो सर डेट फ्रॉम बिकम्स लाइबल डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन नंबर नाइन एंड डेट फ्रॉम सप्लाई बिकम टैक्सेबल उसके एक दिन पहले जो भी इवनिंग में आपका क्लोजिंग स्टॉक था उसका डिटेल्स बेसिकली सर उसके बाद एटीन वन सी एन डी में जब आप क्रेडिट क्लेम करते हो क्योंकि आप पहले रजिस्टर्ड थे जब आपने खरीदा था तो आपने ऑलरेडी जीएसटीएन नंबर दिया होगा तो अब जब क्लेम करोगे आप क्रेडिट तो वो क्रेडिट को सप्लायर ने जो क्रेडिट जीएसटी गवर्नमेंट को दिया होगा उससे वेरीफाई किया जाएगा उसके बाद आ जाइए राइट साइड में यही बोला है इन्होंने कि विथ विल बी वेरीफाइड विद द डिटेल्स विदिटेल बाई सप्लायर इन जीएसटी आर वन और फोर देखिए सेक्शन एटीन थ्री बोलता है आप क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो आप क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो इन इन केस ऑफ चेंज कॉन्स्टिट्यूशन आईटीसी कैन बी ट्रांसफर मतलब आपने किसी को बिजनेस बेच दिया मर्जर हो गया ए एंड बी डी बन गया डी मर्जर हो गया अमाल हो गया लीज हो गया ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो गया इंक्लूडिंग डेथ तो हमेशा याद रखिएगा ये पर्सन था यहां ये पर्सन था इसने बिजनेस इसको ट्रांसफर कर दिया तो बेटा याद रखिएगा गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर किया इस पहला बात तो बिजनेस करना है, इस लोग को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था अंडर सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू थ्री और सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू फोर डीमर्जर डिमर्जर टू कोर्ट ऑर्डर तो ये रजिस्टर्ड है इनका जीएसटी नंबर आपके पास होगा बस ऑनलाइन जाना जीएसटी आई टी सी जीरो टू फाइल करना क्रेडिट इनको ट्रांसफर भी कर देना बिजनेस तो ट्रांसफर किया ही है, भी कर देना। टू करना नहीं है लेकिन ये स्पेशल ने बोला आप जो क्रेडिट आपके पास है ट्रांसफर को ट्रांसफर कर दीजिए सर रूल नंबर फोर्टी वन बोलता है बस ऑनलाइन जा आई टी सी जीरो टू फाइल कर बायर के पास आई टी सी जीरो टू नोटिफिकेशन बेसिकली जाएगा वो अमाउंट ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट करेगा और क्रेडिट उसके ही क्रेडिट लेजर में चला जाएगा मैंने अगर बिजनेस ट्रांसफर किया है मैं क्रेडिट भी ट्रांसफर करूंगा फाइल करते हुए ठीक है सर मेरा एक ही स्टेट में एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस था एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस था तो मेरा एक ही क्रेडिट लेजर था अब मैंने इसका अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया तो ये दोनों डिस्टिंग पर्सन बन गए विद इन द सेम स्टेट अब डिस्टिंग पर्सन को अगर क्रेडिट ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हो और यही बोला गया है इन केस ऑफ डी मर्जर ओके okay. ये रहा ये मैंने यहां लिखा है अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो डिस्टिंग पर्सन को तो एसेट रेशियो में ट्रांसफर कीजिएगा आप, आपने आपने समझ लीजिए आप दोनों का सौ करोड़ का एसेट था पचास करोड़ आपने रखा पचास करोड़ इसने रखा पचास करोड़ आपने रखा पचास करोड़ इसने तो सर पचास परसेंट क्रेडिट इसको ट्रांसफर कर देना तो सर सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट अगर है आई टी सी जीरो टू ए यूज करते हुए विद इन थर्टी डेज आपको आई टी सी जीरो टू ए फाइल करते हुए क्रेडिट ट्रांसफर कर देना है अब सुनिए सर अगर डीमर्जर हो गया समझ लीजिए एक बड़ा कंपनी था एक बड़ा कंपनी था समझ लीजिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, एक बड़ा कंपनी था इसका एसेट था, था, एसेट था? था, था कर सर, हजार करोड़ का एसेट था ठीक है था हजार करोड़ के एसेट यहां रह गए और दो करोड़ के एसेट यहां चले गए तो सर एक बात बताइए इसका ई क्रेडिट इसके ई क्रेडिट लेजर में अगर एक लाख रुपया था तो कितना क्रेडिट ट्रांसफर करेगा बताओ बेटा कितना क्रेडिट ट्रांसफर करेगा कालिया जल्दी बता सर हमेशा याद रखिएगा सर असेट के रेशियो में ट्रांसफर होता है एट इस टू टू के रेशियो में मतलब अस्सी हजार का क्रेडिट ट्रांस अस्सी हजार का क्रेडिट खुद के पास रखेगा और बीस हजार का क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर कर देगा ट्रांसफरमेंट के करना है ये जो आई टी सी जीरो टू है इसका टाइम लिमिट नहीं होता है फाइल करने का लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट सी ए स्क्वायर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है इेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट कितना भी अमाउंट पे ट्रांसफर करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है उसके बाद इधर आता है सर समझ लीजिए मैं क्या किया नॉर्मल पर्सन से कंपोजिशन पर्सन हो गया या yes, सर मेरे टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्ट हो गई देख बेटा जब आप कंपोजिशन से रेगुलर बनते हो या एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल तो गवर्नमेंट आपको क्रेडिट देता है जब उल्टा हो गया तो गवर्नमेंट क्रेडिट रिवर्स करने बोलता है बस यही हम सीखने वाले हैं कि सर पहले में था पहले में था नॉर्मल पर्सन अब मैं कॉम्पो बन रहा हूं या सर पहले मैं टैक्सेबल सप्लाई करता था अब मैं एग्जाम सप्लाई करने लग गया हूं तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा जब तू नॉर्मल पर्सन था तूने क्रेडिट लिया अब अगर कॉम्पोजिशन में आ गया है तो टैक्स तो चार्ज नहीं करेगा जो क्रेडिट तेरे स्टॉक विच इज देर

60 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन करना है बचे हुए मंथ्स के लिए आपको रिवर्सल करना पड़ेगा याद रखिएगा हमेशा मैनर ऑफ रिवर्सल के लिए बोला है रिवर्सल क्रेडिट ऑफ इनपुट विच इज इन स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स एंड गुड्स जो लिया था क्रेडिट अब कॉम्पोजिशन पर्सन बन गया है नॉर्मल पर्सन था तब लिया था अब रिवर्स कर दे ठीक है सर उसके बाद कैपिटल गुड्स के लिए बोला गया जो भी आईटीसी लिया था डिवाइड बाई सिक्सटी मंथस करना और सर मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस लाइफ कर देना जितना लाइफ बचा हुआ है अब सर एज ए कॉम्पोजिशन यूज करेगा ना या फॉर मेकिंग एग्जाम सप्लाई यूज करेगा ना तो जो भी लाइफ बचा हुआ है वो लाइफ मंथ के हिसाब से देखना और क्रेडिट को रिवर्स कर देना अमाउंट ऑफ रिवर्सल टू बी सेपरेटली फॉर कैल्कुलेट सर याद रखिएगा जब गवर्नमेंट क्रेडिट देगी कैपिटल गुड्स का तो फाइव परसेंट डिडक्शन होते हुए मिलेगा जब आप गवर्नमेंट को दोगे रूल नंबर फोर्टी फोर बोलता है कि सर आपको मंथली जितने मंथ बचे हुए हैं उतना का क्रेडिट गवर्नमेंट को रिटर्न करना है सर अगर मेरे पास इनपुट्स का समझ लीजिए इनवॉइस uh, नहीं है तो तो गवर्नमेंट बोलता है आज का मार्केट प्राइस लेके फिर रिवर्सल कर में रिवर्सल करना है दस दिन का टाइम दिया एक महीने का टाइम दिया तू तो, तो रिवर्स करेगा नहीं गवर्नमेंट ने बोला कोई टाइम लिमिट नहीं है रिवर्सल का और कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अनलेस आप कोई फेयर मार्केट वैल्यू यूज कर रहे हो मतलब समझ लीजिए आपके पास

इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी जिस पे आपने आईटीसी लिया था बेटा मैंने अगर कोई कैपिटल गुड्स खरीदा था और उस पे मैंने आईटीसी लिया था तो जो आईटीसी लिया था अब अगर मैंने उस कैपिटल गुड्स को सप्लाई कर दिया है यही बोला है अगर आपने कैपिटल गुड्स को सप्लाई कर दिया तो जो आईटीसी लिया था उसे 5% रिड्यूस करके फॉर पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ 5% रिड्यूस करते हुए एक अमाउंट पे आप अराइव हो जाओगे पे ITC लिया था, उसको बेच रहे, हो, कर रहे हो तो सर रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ आई टीसी बेसिकली आई टीसी जो आपने लिया था और फाइव परसेंट पर क्वार्टर और पार्ट देर टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू सेल करने पर जो जीएसटी आएगा विच एवर इज हाई आपको पे करना पड़ेगा उसके बाद एक प्रोवाइजो है यहां पे जो बोलता है वे रिफैक्ट्री ब्रेक्स मोल डाइज जिक्स एंड फिक्चर्स आर सप्लाइड ए स्क्रैप उस केस में आपको बस क्योंकि स्क्रैप की तरह बेच रहे हो तो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू दोगे तो भी चलेगा उसके बाद एक छोटा सा सर्कुलर है यहां पे डी मर्जर को लेके चलिए सर्कुलर को फटाफट -फड़ पढ़ लेते हैं सुन लीजिए यहां तक क्लियर है सेक्शन नंबर एटीन वन स्पेशल सरकम सेंस एटीन पुराने इन मोर देन वन ईयर ओल्ड क्रेडिट नहीं मिलेगा एटीन थ्री अरे डीमर्जर सेल वगैरह हो गया क्रेडिट ट्रांसफर कर दे एसेट की रेशियो में डिस्टिंग पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है आईटीसी 02 ए यूज कर लेना एटीन फोर रिवर्सल की बात किया एटीन फाइव था बोला रूल नंबर फोर्टी और फोर्टी लगाना लगा लेंगे एटीन बोला अगर कैपिटल गुड्स अगर कैपिटल गुड जिसपे आई टी सी लिया है उसको बेच दिया सप्लाई कर दिया तो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट और सेल वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है विच एवर इज हायर पे करना पड़ेगा स्क्रैप की तरह अगर कुछ बेच रहे हो मोल्ड डाइज वगैरह तो सर उस पर बस जो टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो पे करोगे तो चलेगा चलिए अब सुनिए सुनिए

आईटीसी टी सी अपोर्सनमेंट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द न्यू यूनिट टू बी टेकन एट स्टेट लेवल और डिस्टिंग स्टेट लेवल दैट इज डिस्टिंग पर्सन लेवल एंड नॉट एट ऑल इंडिया लेवल इसका मतलब क्या होता है सर समझ लीजिए मैं आपको बोलता हूं मैं स्टेट ए में भी हूँ और मैं स्टेट बी में भी हूं अब समझ लीजिए डी मर्जर हुआ है ठीक है डी मर्जर हुआ है यहाँ मेरे 60 करोड़ के एसेट थे यहाँ मेरे 40 करोड़ के एसेट थे मतलब मेरी कंपनी का डी मर्जर हुआ है और मैंने क्या किया मैं स्टेट ए में भी था और मैंने मैं स्टेट बी में भी था ठीक है सर अब मैंने क्या किया डी मर्जर हुआ ना तो समझ लीजिए मैं कंपनी एक्स हूं मैं वाई एक कंपनी डी मर्ज कंपनी बनाया ठीक है और इधर से मैंने क्या किया मैंने इधर से 50 परसेंट मतलब समझ लीजिए मैंने यहाँ से 50 परसेंट जो एसेट थे वो ट्रांसफ़र किए 30 करोड़ के एसेट ट्रांसफर किए इन स्टेट समझ लीजिए ये स्टेट में लेता हूँ ये दिल्ली ले, ले लेता हूँ और मैं महाराष्ट्र ले लेता ले ले हूँ ठीक है दिल्ली में मैंने मेरा जो दिल्ली का यूनिट था उधर से मैंने पचास परसेंट का क्रेडिट ट्रांसफर किया महाराष्ट्र यूनिट से मैंने सिर्फ दस परसेंट क्रेडिट सॉरी पचास परसेंट एसेट ट्रांसफर किए और यहां सिर्फ दस परसेंट एसेट मतलब सम 10 एक काम करते हैं दस करोड़ लिख लेते हैं दस करोड़ के एसेट ट्रांसफर किए यहां से मैंने 30 करोड़ के एसेट ट्रांसफर किए यहां से दस करोड़ के एसेट ट्रांसफर किए ठीक है थीके? अब अगर आप देखोगे तो टोटल मैंने चालीस करोड़ के एसेट ट्रांसफर किए और सर टोटल सौ करोड़ के एसेट थे अब सुनिए सौ करोड़ के एसेट से मैंने चालीस करोड़ के एसेट ट्रांसफर किए ऑल इंडिया लेवल पे देखोगे तो एक्स लिमिटेड कंपनी ने वाई लिमिटेड कंपनी को कितने एसेट ट्रांसफर किए सर चालीस करोड़ के एसेट ट्रांसफर किए मतलब फोर्टी परसेंट एसेट ट्रांसफर किए लेकिन अगर आप स्टेट लेवल वाइज देखोगे तो यहां सर इस स्टेट में दिल्ली स्टेट में 50 परसेंट एसेट ट्रांसफर किए और सर महाराष्ट्र स्टेट में देखोगे तो सिर्फ 25 परसेंट एसेट ट्रांसफर किए करेक्ट है ना चालीस करोड़ से दस करोड़ मतलब पच्चीस किए तो लोगों ने पूछा सर जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे तो हम महाराष्ट्र दिल्ली और महाराष्ट्र में जब आईटीसी ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या चालीस परसेंट ट्रांसफर कर दें ऑल इंडिया लेवल पे या हम स्टेट लेवल पे देखेंगे कि सर यहां दिल्ली में जब मैं आई जीरो टू फाइल करके ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्रेडिट पचास परसेंट ट्रांसफर करूंगा और महाराष्ट्र में क्योंकि सिर्फ ऐसे 25 परसेंट ट्रांसफर हुए हैं तो सिर्फ 25 परसेंट क्रेडिट ट्रांसफर करूंगा तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा तू स्टेट लेवल के हिसाब से तो सर मैं दिल्ली में क्या करूंगा पचास क्रेडिट ट्रांसफर कर दूंगा आई फाइल करके और सर महाराष्ट्र में मैं 25 परसेंट क्रेडिट ट्रांसफर कर दूंगा स्टेट लेवल देखना है दैट इज डिस्टिंग लेवल देखना है एंड नॉट ऑल इंडिया लेवल ऑल इंडिया लेवल होता तो सर हर एक स्टेट से 40 40 परसेंट करना पड़ता लेकिन आप करोगे स्टेट लेवल जितना एक स्टेट में एसेट ट्रांसफर हुआ उतना ही क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे उसके बाद आया सर मैं आईटीसी 02 क्या जीरो टू हर स्टेट में फाइल करूं समझ लीजिए मैं हूं महाराष्ट्र दिल्ली और केरला में भी हूं और केरला में, में मेरा एसेट बीस करोड़ है लेकिन सर यहां मैंने कुछ भी एसेट ट्रांसफर ही नहीं किया यहां ट्रांसफर ही है ही नहीं तो सर अगर ट्रांसफरी है ही नहीं उस स्टेट में तो आई टी सी जीरो टू उस स्टेट में फाइल करने की जरूरत है ही नहीं क्रेडिट अगर ट्रांसफर करना ही नहीं है उस स्टेट में तो सर उस स्टेट में आई टी सी जीरो टू फाइल करना ही नहीं है गवर्नमेंट ने बोला ट्रांसफर टू फाइल आई टी सी जीरो टू ओनली इन दो स्टेट वेद बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी आर रजिस्टर्ड ठीक है सर उसके बाद फॉर्मूला फॉर for ईटीसी अपोर्समेंट सर एप्लीकेबल फॉर ऑल बिजनेस रिओर्गेनाइजेशन लोगों ने बोला सर आपने जो ये बोला है कि असेट के रेशियो में क्रेडिट ट्रांसफर कर देना ये सर सिर्फ डी मर्जर पे एप्लीकेबल है या कोई भी बिजनेस रिओर्गेनाइजेशन पे मतलब समझ लीजिए एक बड़ा बिजनेस था पापा ने क्या किया एक छोटा सा पार्ट तोड़ के एक भाई को दे दिया और एक अपने पास रखा है तो सर उस हिसाब उसमें भी क्या हम असेट रेशियो में क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा जहां भी एक बड़े बिजनेस का एक बिजनेस का का टुकड़ा टुकड़ा एक काट के अलग किया गया है वहां आप फॉर्मूले फॉर्मूला लगा के क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो सिर्फ डी मर्जर के लिए पॉइंट नहीं बोला हुआ है जहां भी कोई बिजनेस का डिविजन होता है असेट के रेशियो में आप क्रेडिट ट्रांसफर कर दीजिए उसके बाद अपोर्शनमेंट रेशियो सेल सेल्फी अप्लाइड टू द टोटल आईटीसी बेटा सर लोगों ने बोला सर मेरे पास सीजीएसटी है मेरे पास एसजीएसटी है मेरे पास आईजीएसटी है दस हजार दस हजार दस हजार ठीक है मेरे पास थर्टी थाउजेंड का आईटीसी है अब मुझे अगर पचास परसेंट क्रेडिट समझ लीजिए किसी को ट्रांसफर करना है डीमर्ज हुआ है डीमर्ज यूनिट है वाई समझ लीजिए मैं हूँ मेन यूनिट और मुझे क्रेडिट ट्रांसफर करना है तो सर क्या मैं हर एक हेड से पचास परसेंट ट्रांसफर करूं या टोटल से तो गवर्नमेंट बोला टोटल से पंद्रह हजार रुपए करना है अब सुन टोटल पे लगा दे पचास परसेंट और पंद्रह हजार करना है अब मैंने बोला ये हजार में कहा से करूं तो गवर्नमेंट ने बोला तेरी जहां से मर्जी है वहां से कर ले सीजीएसटी कर, से करना है दस हजार कर दे पांच इधर से करना है कर दे तेरे को जिस हेड से मन है उस हेड से तू कर दे लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये तू तो टोटल आई पे लगाएगा पंद्रह परसेंट आया पंद्रह परसेंट सॉरी पंद्रह हजार देखिए नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ईच हेड आप टोटल अमाउंट पे लगाइएगा अपोर्शनमेंट रेशियो और फिर ट्रांसफर का लिबर्टी है टू डिटरमाइन द अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम ईच हेड उसके बाद लोगों ने बोला सर किसी भी हेड से कर सकते हैं हाँ सर किसी भी हेड से कहीं से भी पांच 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 कर दे दस और पांच कर दे जैसे करना है कर ले ठीक है किसी भी हेड से ट्रांसफर कर दे उसके बाद सर मुझे एक बात बताइए जो मेरे को आईटीसी ट्रांसफर करना है आई ट्रांसफर करने के लिए मुझे चाहिए आई बैलेंस मल्टीप्लाइड बाई रेशियो ऑफ एसेट रेशियो ऑफ एसेट करेक्ट सर मेरे को जो आई ट्रांसफर करना है वो देखने के लिए मुझे आई बैलेंस चाहिए बैलेंस समझ लीजिए एक लाख रुपए है और रेशियो ऑफ द एसेट फोर्टी परसेंट है तो एक लाख का फोर्टी परसेंट मैं ट्रांसफर कर दूंगा लेकिन सर मुझे एक बात बताइए ये आईटीसी बैलेंस किस दिन का बैलेंस लेना है सर और तो गवर्नमेंट ने बोला अपोर्सन फॉर्मूला टू बी अप्लाई टू आईटीसी बैलेंस ऑन द डेट ऑफ आई जिस दिन आप आईटीसी टी जीरो टू फाइल कर रहे हो जिस दिन आप आईटीसी टीसी टू फाइल कर रहे हो उस दिन का लेना है सर रेशियो ऑफ एसेट किस दिन का लेना है तो गवर्नमेंट ने बोला रेशियो ऑफ एसेट अपोर्सनमेंट सॉरी अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर का ले लीजिएगा तो लोगों ने पूछा आईटीसी बैलेंस किस दिन का 02, आ, फाइल करने का अपोर्शन का. जीरो बोलते हैं अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर डीमर्जर के डॉक्यूमेंट में एक अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर होता है उस दिन पे उस दिन पे रेसेट का क्या रेशियो था उस रेशियो में आप डिवाइड कर दीजिएगा रेशियो ऑफ एसेट अपॉइंटमेंट डेट ऑफ दी मर्जर आईटीसी बैलेंस आईटीसी जीरो टू जिस दिन फाइल कर रहे हो उस दिन का आईटीसी बैलेंस देख लीजिएगा बस बेटा खत्म चलिए राइट साइड आ जाइए उसके बाद लोगों ने बोला सर समझ लीजिए मैंने फ्री सैंपल में कुछ दे दिया थर्मोमीटर्स खरीदे मैं एक फार्मा कंपनी हूं थर्मोमीटर खरीदे थर्मोमीटर दे दिया अब थर्मोमीटर जब दिया तो वो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट आई अवेल था मैंने आई टी सी लिया था ये सप्लाई हो गया तो क्या आई टी सी मिलेगा गवर्नमेंट ने बोला बेटा आउटवर्ड सप्लाई है तो आई टी सी मिल जाएगा लेकिन सर अगर समझ लीजिए मैंने पाउडर खरीदा मेडिसिन बनाया मेडिसिन दिया तो वो सप्लाई तो नहीं है तो आई टी सी भी नहीं मिलेगा यही बोला गया यहाँ पे फ्री सैंपल एंड गिफ्ट में अगर एक्टिविटी सप्लाई में आ रहा है तो आईटीसी मिलेगा लेकिन अगर एक्टिविटी सप्लाई में नहीं आ रहा है तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगा उसके बाद लोगों ने बोला बाय वन गेट वन में क्या होगा सर और या फिर बाय मोर सेव मोर डिस्काउंट में क्या होगा तो गवर्नमेंट ने बोला बाय मोर सेव मोर इसमें पूरा इनपुट मिलता है और एक के साथ एक फ्री दे रहा है वो दूसरा वाला फ्री एक्चुअली है नहीं और सर उस केस में मैंने एक साबुन के साथ एक साबुन अगर फ्री दिया है तो सर उस केस में ये ये क्या है ये कंपोजिट सप्लाई एक मिक्स सप्लाई आप बोल सकते हो और पूरा इनपुट इनपुट आईटीसी ऑन इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स अलाउड रहेगा ये एक पॉइंट यहां पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया उसके बाद एक सर्कुलर आता है रिलेटिंग टू मोल्ड एंड डाई सुन लीजिए फटाफट -फड़ क्लोज कर देता हूं मोल्ड एंड डाई का सर्कुलर क्या बोलता है सर सुनिए

कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर बाजार में गया और उसे मोल्ड नहीं मिला तो मैंने क्या किया मैंने मोल्ड खरीदा ओरिजिनल इक्विप मेरा जिम्मेदारी नहीं था फिर भी मैंने खरीदा और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया अब मैं इसको क्या बोलूंगा नालायक मैंने मोल्ड लेके तेरे को दिया है जब तू मोल्ड खरीदता तो सौ रुपए था अब तो मैंने मोल्ड खरीद के तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है एक लाख रुपए का मोल्ड है तो मुझे दस हजार यूनिट बना के देने वाला है कुछ तो कम कर दे तो ये क्या करेगा ना ये उससे एक्चुअली दस रुपए कम करके आपसे सिर्फ नब्बे रुपए लेगा करेक्ट अब ये मुझसे नब्बे रुपया ले रहा है पर कंपोनेंट गवर्नमेंट ने बोला नालायक रमेश सुन अब ये तो तु, तूने कंपोनेंट मैनुफेक्चर को मोल्ड फ्री में दिया ना ये मोल्ड जो तूने फ्री में दिया ये तेरे को नहीं देना था अग्रीमेंट था यही खरीदेगा तो इट इज लाइक ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेड बाय द ये तूने नहीं खरीदना था, उसने खरीदना था था उसने एंड हेंस तू एक काम कर एक दस हजार यूनिट बनेगा ना एक लाख रुपए का मोल्ड है दस हजार यूनिट बनने वाला है मतलब पर यूनिट नब्बे रुपए नहीं गवर्नमेंट बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई दस रुपए अमोटाइज अमाउंट ऑफ मोल्ड ऐड कर दिया जाएगा और सेकेंडली गवर्नमेंट ने बोला ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर आपने जो मोल्ड खरीदा इट वाज नन ऑफ योर बिजनेस टू बाय द मोल्ड ये आपके बिजनेस के दौरान नहीं मिला जाए मिलेगा आपके बिजनेस के दौरान नहीं माना जाएगा ये है। देख बोला, वो खरीदेगा मोल्ड और सामान बना के देगा सौ रुपए में मैंने खरीद के मोल्ड उसको दे दिया तो जो मोल्ड का अमोटाइज अमाउंट है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड भी होगा और मैंने जो मोल्ड खरीदा क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं था मोल्ड खरीदने का तो सर मैंने जो आई लिया था वो रिवर्स करना पड़ेगा अब सुनिए अब अगर मैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हूं ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है मैंने बोला मैं मोल्ड खरीदूंगा मैं मोल्ड तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा तू बता तू मेरे से कितना लेगा इसने अगर बोला एक कंपोनेंट का एक कॉम्पोनेंट का एक कॉम्पोनेंट का मैं अस्सी रुपए लूंगा तो बेटा अब इस केस में अगर मैंने मोल्ड खरीद के इसको दिया है तो वो मेरा ही बिजनेस था क्योंकि मैंने बोला, मोल्ड और मैंने बिजनेस इसको खरीद के मैंने इसको मोल्ड खरीद के दिया है तो इसका मुझे आईटीसी भी मिलेगा और इधर कोई अमाउंट ऐड नहीं होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी एटी रुपीज ओनली आपको मोल्ड ये जो कंपोनेंट मैनुफेक्चर का केस है हमेशा उसमें देखना है अग्रीमेंट कैसा है अगर मैंने बोला मैं खरीदूंगा मोल्ड और मैं तुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा मतलब उसने उसने जब मुझे बोला पर कंपोनेंट का प्राइस तो ऑलरेडी ये फिगर आउट कर लिया था ये मोल्ड खरीद के देने वाला है तो अस्सी रुपए लूंगा तो सर इस केस में जब मैंने मोल्ड खरीद के उसे दिया तो इट वॉज माई बिजनेस मुझे आई टी भी मिल जाएगा और उसने जो अस्सी में मुझे एक कॉम्पोनेंट दिया है उसमें कोई अमाउंट एड नहीं भी किया जाएगा आई होप ये पॉइंट क्लियर है अरे बेटा चल इस कंपोनेंट मैन्युफैक्चर ये कंपोनेंट का चाहे ये अस्सी रुपए बोले बीस रुपए बोले कुछ भी बोले इसमें कुछ ऐड नहीं किया जाएगा आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा ये जो प्राइस में अस्सी रुपए में मुझे देगा तो ये उस पर जीएसटी लगाएगा इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई पर विल बी ओवर हियर और सर यहां क्या हो जाएगा यहां नाइंटी के साथ दस रुपए एड हो जाएगा और उसके ऊपर इसे मुझे जीएसटी

थोड़ा अच्छा नहीं था वो लाइन ऐड कर दिया गया इधर जहां भी ये मैंने आपको बी ए पॉइंट बता डिलीट हो चुका है रूल नंबर थर्टी सेवन मैंने आपको पढ़ा दिया है ठीक है सर ये भी मैंने आपको सेक्शन नंबर फोर्टी वन भी बोल दिया कि अब आप क्रेडिट फाइनल बेसिस पे लोगे सप्लायर ने पे नहीं किया गवर्नमेंट को तो बेटा आपको रिवर्स करना पड़ेगा उसके बाद अपोर्सनमेंट जब आया तो सर रूल नंबर 42 में एक जीएसटीआर 2 का रेफरेंस था उसको डिलीट कर दिया रूल नंबर 43 में भी एक जीएसटीआर 2 का जहां जहाँ रेफरेंस था क्योंकि जीएसटीआर 2 चला गया रेफरेंस को भी डिलीट कर दिया गया ये एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट वर्ड को ऐड कर दिया गया है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को आपको एग्जाम सप्लाई नहीं मानना है उसको टैक्सेबल सप्लाई मानना है बैंकिंग कंपनी का अमेंडमेंट कुछ नहीं था ओल्ड वर्ड जो टोटल बकवास थे उनको हटा दिया गया उसके बाद सर ब्लॉक क्रेडिट में मैंने आपको बोला ब्लॉक क्रेडिट पढ़ाते समय कि सर देखिए एक तो इन तीनों के लिए ये प्रोवाइजो ये ये जो प्रोवाइजो है ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है सेकेंडली अगर लीजिंग होता है मशीन वगैरह का तो उसका क्रेडिट अलाउड होता है ये दो पॉइंट यहां बोला हुआ है जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया दैट सेट एवरी वन रिलेटेड जो अमेंडमेंट था वो भी कवर हो गया है आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आई का चैप्टर दस से बारह मार्क इधर उधर से आ जाता है बड़े क्वेश्चन का पार्ट छोटा मोटा क्वेश्चन ए प्लस ग्रेडेड चैप्टर देख ए प्लस ग्रेडेड चैप्टर में मैं बोलूंगा ये जो चार्ट था ये जो चार्ट था इसको आप फिर भी इसको आप फिर भी लास्ट में पढ़ सकते हो ये आप सी ग्रेडेड बोल सकते हो ये जो है ये ए ग्रेडेड है ठीक है ये जो है ये आप बी ग्रेडेड बोल सकते हो चार्ट को और ये जो चार्ट है ये भी आप बी ग्रेडेड बोल सकते हो इसके अलावा ये जो चार्ट है ये ए प्लस प्लस है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ए प्लस प्लस है ये सर बी ग्रेडेड ये सर बी ग्रेडेड ये आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट 100 परसेंट आएगा ए ग्रेडेड और सर ये जो है इसको आप फिर भी बी या सी ग्रेडेड बोल सकते हो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है सुन लीजिए आईटीसी के चैप्टर में सेक्शन नंबर 16, 17, 18 विथ ऑल द सर्कुलर एंड अमेंडमेंट यहां मैं क्लोज करूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन पीपल डन